Hi, I'm Meet. मैं अब्रॉड से यहाँ आई हूँ इंटरव्यू लेने के लिए. Suku. Hi, I'm Sik. Sukumar. I'm Meet. Maithili. Oh. अब्रॉड में मेरे नाम को अजीब से प्रोनाउंस करते हैं. मैंथली नहीं, मंथली वीकली ऐसा कहते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में मीट बना दिया. यू हिंदी? या लिटिल लिटिल. ओह, क्रॉस ब्रीड. हाँ, कम ऑन, लेट्स सिट. क्रेजी हाँ. कैन वी स्टार्ट द इंटरव्यू विद पर्सनल? आपके मॉम डैड में से आप किसे ज्यादा प्यार करते मुझे हैं? मुझे मेरे मामा बहुत पसंद है, क्योंकि उनका फेस मुझे ज्यादा याद है. फादर? उन्होंने पैदा किया इसलिए मुझे इतनी लग्जरी लाइफ मिली. वही मेरे वॉचमैन है और वही मेरी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं. So I like my watchman. Love? कोई भी छलांग लगाकर जान देना चाहता है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस फटके से 2-3 साल में रिकवर हो जाता है. वही प्यार में गिरा तो जिसे नाकामी पसंद है वो करते हैं. So I hate love. छोटी उम्र में आप अपनी पहचान बना चुके हैं, इसकी क्या वजह है? करियर इज लाइफ और टाइम इज कैश. समझो, जरा स्पीड में चले. वैसे आप इतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं तो आप पर बहुत लड़कियां मरती होंगी, है ना? Don't look at him. Hello. Idiot. कुछ ज्यादा ही बोल रही है. प्यार मुझसे? हेलो हेलो एवरीवन, दिस गर्ल इज प्रपोजिंग मी. ये लड़की मुझसे प्यार करती है ऐसा ये कह रही है. देखिए मैडम, एक मर्द यहाँ पर यहाँ वहाँ देख सकता है. वही लड़की कहाँ देखती है पता है तुम्हें? यहाँ देखती है, क्योंकि उस जगह वॉलेट रहता है. और एक बात बताओ तुम्हें, हर आदमी के सक्सेस के पीछे एक औरत होती है ऐसा कहते हैं, लेकिन जो आदमी अपने आप को कामयाब करता है लड़कियाँ उसके पीछे भागती है. वही अगर भिखारी होता तो आप मुझे भीख देती? सबके सामने बेइज्जत करने की क्या जरूरत है? एक मिनट, अगर मैं तुम्हें बीच राह पर छोड़ दूँ ना तो ये सारे लोग मुझे विलन समझने लग जाएंगे. प्यार शादी स्कैम इन सब में मैं नहीं पड़ता. जाओ जाकर बिल भर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे काम के लिए आया हूँ. अरे रो क्यों रही हो? 5 यूरोज भरने को कहा तो रोने लग गई. और मैं रोजाना 2500 यूरोज कमाता हूँ, उसका क्या? फ्री में पाना चाहती हो क्या मुझे? चलता हूँ मैडम, टाइम नहीं है. एनी क्वेश्चंस? इंडिया वापस जाने का इरादा है या यहीं पर सेटल होने वाले हैं? आई थिंक ह्यूमन रिलेशन ये इकोनॉमी के रिलेटिव्स हैं, वहाँ से तो कोई पैसा आने वाला है नहीं. सो मैं वापस नहीं जाऊंगा, तुम ब्रेकफास्ट करके आ जाओ. अरे कोई भी नहीं है. Hey. What's happening here? Celebrating. Celebrity मैं बना हूँ, तुम लोग नहीं. मुझे इतना चाहते हो तो मेरी फोटो पर्स में लेकर घूमो. टाइम पास मत करो, इस तरह ऑफिस का टाइम वेस्ट मत करो. वर्क वर्क वर्क. इतना ही नहीं, हमारी कंपनी को मिलने वाली प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट की मीटिंग नेक्स्ट वीक में है. अगर वो किसी ने मिस की ना, फायर. अगर तुम नहीं आए तो? गुड क्वेश्चन. ए, गेट द पेपर्स. या, इट्स ओके. सी दिस ऑर्डर्स. अगर उस मीटिंग में सुकुमार नहीं आया, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा. सीईओ से ये ऑर्डर पास करा के ला रहा हूँ. एम्प्लॉयज ऐसा बिहेव करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा. क्या संजय दत्त भाई फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? वो रमन भाई ने थोड़ी इंसल्टिंग बात की थी. सुनील गावस्कर की तरह 10 दिनों में करने वाले प्रोजेक्ट को तुम 50 दिन में कर रहे हो, ऐसा क्यों? देखो सुको भाई, रामाजुन और एक रवि शास्त्री और गावस्कर, मुझे दे दो भाई, 9 दिन में प्रोजेक्ट पूरा करूंगा, मुझे दो भाई. क्या रामानुजम फ्रॉम साउथ इंडिया? वो संजय दत्त ने कहा कि तुम काम में बहुत ढीले हो. छोड़ो यार, ये प्रोजेक्ट मैं किसी और को दे देता हूँ. अरे अर्जेंट क्या है, 1 सप्ताह में दे दूंगा. प्रोजेक्ट उन दोनों को दे दिया है, अब देखना बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा. उन दोनों को मिलने वाला काम सुब्बा राव को सौंप दो, अपना आदमी है. एक्स्ट्रा पैसे दो तो दुनिया में बिना कनेक्शन के सबको जोड़ता चला जाएगा, ठीक है ना? उसके पास उसका मास्टर प्लान है, डिवाइड एंड रूल. मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही समझ गई है. समझ गई मैं. हो गया तुम्हारा इंटरव्यू, डोंट वेस्ट माय टाइम. क्या हुआ? अपने ही लोगों से दूर होकर फूलों की तरह रहने वाले तुम्हारी माँ को ऐसे पत्थरों में सुला दिया. लगता है मेरे ही प्यार ने मुझे अकेला कर दिया. तुम्हारी माँ ने मुझे 2 काम सौंपे थे, वो है उसकी यादें और तुम. और उसका अपनों में से अगर कोई बचा है तो तुम्हारी नानी और मामा. इस बीच तुम्हारे मामा तो एक्सीडेंट में चल बसे, अब तुम्हारी नानी अकेली रह गई है. मैं वहां नहीं जा सकता, तुम एक बार वहां जाकर आओ. उनके साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है. ठीक है, जो तुम्हें पसंद नहीं वो मैं नहीं कहूंगा. तो आप भी चले जाइए यहाँ से. तुम्हारी माँ की पसंद को मैं दूर नहीं करूंगा, खासकर तुम्हें. लेकिन वो नानी माँ, उनसे भी बढ़कर मेरे पास जरूरी काम है. क्या है वो? कुछ दिन इस जॉब को कंटिन्यू करके मैं खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ. अगर कोई भी जरूरत हो तो बताना. देखिए मिस्टर श्रीनिवास, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा. तुम्हारी नानी का क्या होगा? मरने दो उन्हें.
अब ये कहां मर गया? आ गया भाई। How are you? इंग्लिश में पूछ रहा है भाई। या, अब चलें? बैंक मैनेजर के पास ना। जी सर। Let us return command। Hi। 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 I'm Srinivas Raju। You want to selling your puri property? Wholesale I sold। I sell better। Father promise। Good deal। Notice also। Wait now। Hi, this is Suku, Sukumar, and I came regarding my project. It's okay. Can I? Sure. Thank you. Mr. Sukumar, your project is excellent, but for security reasons, you have to deposit ₹500,000. Paise, paise. Kitne chahiye? Hey. Zyada hai. Really? Yes. Is there any other alternative? No chance, I'm sorry. You can proceed somewhere else. Mujhe batana kya kaha ho, bhuri aankhon wala. Abhe, pagal. बिना इंग्लिश जाने यूरोप में बिजनेस नहीं कर सकता। वो दूर तक दिख रहा है ना जो लैंड, अंडर माय गोल्डन हैंड। हियर एयरपोर्ट। नो कम। हियर रेलवे स्टेशन। अबे नो कम नो कम आई टेल। हियर कॉलेज मॉल सिनेमा थिएटर। नो कम माय फादर प्रॉमिस। नो कम नो कम देन डील। डील? बाप रे तुम कितने ठंडे हो। तुम तो गोरे भी हो। अच्छा कोई बात नहीं। फ्लैशबैक हो गया तेरा? अरे हाँ यार, अगर वो सौदा डील हो जाएगा ना तो टेंशन फ्री हो जाएंगे हम लोग। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, इसीलिए कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी को बताना मत, ये मेरा विक्टोरिया सीक्रेट है। विक्टोरिया? क्या कह रहा है वो? हमारे प्लान का प्रोजेक्ट देख के वो शॉक हो रहा है क्या? बोलना। हमने उन्हें जो 1 लाख यूरोस दिए हैं उन्हें वो नहीं जम रहा है। उन्हें 5 लाख यूरोस चाहिए, तभी वो हमारे प्रोजेक्ट में 45 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। दे देंगे, करोड़ों आएंगे भी तो। कहाँ से दोगे? वो भी तो इनसे उधार लिया है। आई मीन वो सब मेरे दोस्तों का मतलब पैसा उधार लाया है। ए, तुम चुप करो। तो अब हम क्या करें? हमें और पैसा भरना होगा, नहीं तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी श्योरिटी देगी और तभी वो लोन सैंक्शन होगा। तो भर देंगे। अबे मुझे मेरा बॉस जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे जितना पता है वो श्योरिटी नहीं देगा। करवा देंगे। कैसे भैया? श्रीनिवास श्रीनिवास श्रीनिवास, आज कुछ भी करके बैंक का काम फिनिश करना है। हाय मार्केट मैनेजर। ए लुक यार, ये मेरी ओल्ड कस्टमर है। रिमेंबर लास्ट ईयर आई सोल्ड योर डॉटर, गुड डील। डू यू हैव एनी श्योरिटी? श्योरिटी नो। कैन योर मदर कंपनी इंट्रोड्यूस यू? कंपनी कैसी? मदर की कंपनी है क्या? अबे क्या जवाब देगा? नो इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। आई एम सॉरी देन, ट्राई अनदर बैंक। वो मालूम है, वो नहीं मिलता। प्लान मेरा है, एग्जीक्यूशन भी मेरा है। तुम बोलो श्रीनिवास। सुकू एक बार शट अप। मेरी प्रॉब्लम मेरी है, डोंट इरिटेट मी। ओके चल, मैं बाद में फोन करता हूं। क्या हुआ? He was suddenly upset. Fever, high BP. Should I call the doctor? सुकुमार, एक बार अपनी नानी को देख कर आओ, बेचारी अकेली है। एड्रेस सब कंफर्म करो। You have 1 o'clock meeting. याद है ना तुम्हें? जो बोला है वो करो ना। ए, मेरे साले ने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है यार। वहाँ के 150 करोड़ की प्रॉपर्टी के तुम वारिस हो यार। जाओ जल्दी से इंडिया जाओ। वहाँ का जो राजू है ना वो तोप है यार, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बिकवा देगा। मेरी प्रॉपर्टी भी उसने ही बिकवाई थी। मैंने अपने साले की बात मानी ना, जल्दी जा, जा सोच क्या रहा है। Yes! Ha ha ha.
मेरी बेटी कितना अच्छा डांस कर रही है, देख रहे हो ना? हाँ भाई, उसके लिए अब हमें लड़का ढूंढना चाहिए। पता नहीं अभी वो कहाँ होगा। कहीं भी रहे, उसे यहाँ आना पड़ेगा। ए व्हाट मैन, तुम्हारे चेहरे पे ये चश्मा जम नहीं रहा, मुझ पे जमेगा, मुझे दे दो। मेरा चश्मा मांगता है? Welcome to Elias. Dust. Dust है? रहने दो। No. I Venkat Rao, SVR sending. I मैं समझ गया। कार लाया हूँ आपके लिए। मेरी एक आदत है, मैं कार में मेरे अलावा किसी को नहीं बिठाता। Follow me. ठीक है सर। सर, वो जो पेड़ वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ तक की फील्डिंग अपनी ही है। फील्डिंग? फील्डिंग सर, फेंसिंग, उसे डाल कर लूज कर दिया। ये कैसे बोल रहे हो? फील्डिंग, फिनिशिंग, लूज, सुनता हूँ तो इंग्लिश जैसा लगता है। वही सर, खेतों में भेड़ ना आए, राउंड करके लूज पे दे दिया सर। ये फिनिशिंग है क्या? करेक्ट। मतलब लूज, मतलब लीज। सर, आप बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीक करते हो। चुप रहे, ज्यादा बड़बड़ मत कर, चुप। ए कंट्रीमैन। चल जाना, लगता है पागल है। चलो चलते हैं। सर, क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है ना सर? क्लाइमेक्स? हाँ सर, वही जो लीव मी मैन, जंगल झाड़ी। अरे अरे हटो। अंधे हो क्या? ट्रक के नीचे आके मरोगे। अब बाप रे, कौन हो तुम? मैं शांत रहने वाले गांव में। ए, इधर आ। यानी हमारे गांव में। हाँ, क्या हुआ? बहुत दिनों के बाद हमने पैर रखा। ओ, पब्लिक के बीच में पिएगा, शर्म नहीं है, जल्दी पिए। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा गांव है मेरा। आहा, क्या बात है, समझ में आ रहा है? तुम तो बहुत स्पीड में बजा रहे हो। उन्होंने कहा स्पीड बजा, तो बजा रहा हूँ। समझा नहीं? म्यूजिक में जान डालनी, तुम लिए तेज चलानी। बजा बजा, बहुत जान डाली। अपनी अम्मा का नाती आ गया है। प्रॉम्प्टिंग कहता हूँ तो प्रॉम्प्टिंग कहता है। ए पागल, लो इसे पकड़ो। डायलॉग जब तक याद ना हो बार बताना। सब रेडी है ना? नाटक करने के लिए इतना लेट आया ढक्कन। हाँ, हिंदी आने वाले को भेजने के बजाय तुम आकर पिकअप नहीं कर सकते थे? लेफ्ट को राइट कहता है पागल कहीं का। तुम मेकअप करके आयो या फिर मेकअप करना पड़ेगा? मेकअप? अरे तुम पागल हो क्या? रुको 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 रुको। अरे भाई, इन्हें सुनाई नहीं देता, ये बहरे हैं। ऐसा क्या? दादा, आप इस मशीन को तो पहले लगा लीजिए। ये सुकुमार है, वर्धना अम्मा का नाती। सुकुमार बहुत बड़ा हो गया है। मैं ए आई नारो, मेरे पापा एस बी आर और ये है जल गोपाल। यार बंद करो तुम्हारी बकवास, मुझे घर ले जाने की बजाय यहाँ क्यों ले आए? आई एम सो टायर्ड मैन, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। बहुत अकड़ है इसमें। हाँ, बहुत अकड़ है इसमें। तो मैं क्या कुछ अलग कह रहा हूँ? बड़ी माँ, तुम्हारा नाती सुकुमार आया है, जल्दी बाहर आओ। यही है उनका घर। बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। बड़ी माँ, यू फॉरेन डॉटर सन। अरे अरे रुको, क्या ये, क्या सच में तुम हो? क्या ये? हाँ ये वही है। क्या बेटा, इतने सालों के बाद अभी तुम्हें हमारी याद आई? तुम और तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कूल कूल नानी, कूल। अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? मेरा बेटा, यही रुको, मैं अभी आती हूँ, यही रुको। ये तुम्हारी मामी और ये मौसी। मैंने सुना है कि ये पागल है। कहा? अजी आप हटिए। अरे वाह वाह वाह, देखिए तो कितना बड़ा हो गया है। ए मैन, इन्हें यहाँ से ले जाओ यार। आइए आइए, इसको उसको छूकर आए हो ना, इसलिए हल्दी का पानी डालो। वाटर्स। तो फिर ये ऐसा क्यों कर रही हैं? यही है पागलपन। हाँ, सच में। ब्लडी सिग्नल्स, नो सिग्नल्स। सिग्नल नहीं मिलेगा। सिग्नल क्यों नहीं मिलेगा? टावर रहेगा तब तो मिलेगा। नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। ग्रैनी, ये हल्दी की बदबू कैसे? छी, ये ग्रेनी क्या है? नानी बोलो। और हल्दी में बदबू नहीं होती है, खुशबू होती है। हमको वही हंडी याद है। क्या हंडी बोल रहे हो? हल्दी है ये। बेटा, मैं कोई इंग्लिश की दादी माँ नहीं हूँ, हिंदी में नानी कहकर बुला मुझे। नानी, ये स्मेल कैसी? हवाई जहाज में किसी ना किसी को छुआ होगा ना, इसलिए ये हल्दी। अरे हल्दी का पानी तुम्हारे बैग में डाला जाएगा।
नहीं नहीं बैग में नहीं है। उधर देखो। हे नाइस शूज, मैंने इन्हें कहीं देखा है। गुड ब्रांड राइट? तुम्हारे ही है। अरे बाप रे, मेरे व्हाइट शूज। नानी, इसे क्यों हल्दी के पानी में डुबो दिया? ये जरूरी था, क्योंकि जरूरत ही आवश्यकता की जननी है। क्या रे, तुझे क्या हुआ? ओ दादी अम्मा, सुना है आपका नाती आया हुआ है। अरे अरे बैठिए बैठिए, हल्दी का पानी चाहिए ना? मैं ले आती हूँ। अभी एक पागल ने मुझे कीचड़ में धकेल दिया था, अभी नहाकर ही आ रही हूँ। देख कर आती हूँ। जाओ जाओ। उसी पायल का साउंड। अरे बाप रे, लगता है वो आंटी वापस आ गई। बैग बैड हो जाएगा। आइडिया। आ गई तुम? आओ मारो मारो। अरे क्या किया उसने तुझे? चंदा है तू मेरा सूरज है तू। नानी बंद करो। हाँ हाँ ठीक है। फैन बंद करने को नहीं कहा था? करंट गई सर, 4 घंटे बाद आएगी। 4 घंटे करंट नहीं है? ब्लडी विलेज मैन, कहाँ आके फंस गया? मॉर्निंग गुड सर। भाड़ में कही तेरी मॉर्निंग। अरे मोटू, रात में एक लड़की मेरे रूम में आई थी। कौन थी वो? ब्यूटीफुल गर्ल सर। हाँ यस वही। ब्लैकमेल, टेकिंग आउट, गिविंग इन लगती है सर। अबे तुझे हिंदी आती है ना, तो हिंदी में बात करना। अरे गाय का दूध लेकर आई थी जो वो लड़की। दूध वाली लड़की? आ गया आ गया। ए छोटू, सुनाई दे रहा है? सलमान की फिल्म डाउनलोड करके शाहरुख खान की भी एक फिल्म डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कर लूंगा ना। हाँ, इस भी सिक्स पैक बनाने के लिए कोई तरीका है तो उसे भी डाउनलोड करना यार, क्योंकि अधिकतर लड़कियाँ ऐसी मूवीज ज्यादा पसंद करती हैं। अच्छा तू लाइन पर है, मैं बात करता हूँ। क्या चाहिए बाबू? ये बाबू कौन है? बाबू आई ब्रदर डाउनलोड बाबू। ओहो, तुम्हारा बाबू डाउनलोड का फेमस बाबू। सिर्फ इसी बाबू को सिग्नल कैसे मिलता है? बाबू बाबू, दूसरे गांव के टावर का सिग्नल भी सिर्फ यही मिलता है बाबू। सच में बाबू? हाँ बाबू। We got this signal. Yeah. Yes. Hello Maria. Hi boss. What's up? What's going on? What's the progress? और क्या खास है? 2 दिनों में मीटिंग है। प्रॉपर्टी का मैटर कहाँ तक? वही सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ। मुझे एक मदद चाहिए, करोगे? मुझे एक चीज चाहिए, दोगे? क्या है वो? मैं एग्रीकल्चर में BSc पढ़ रहा हूँ, लेकिन किसान का काम कर रहा हूँ। मुझे खाना बनाना आता है। मैं फॉरेन जाकर होटल खोलकर पब्लिक की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लेकर चलोगे ना? हाँ हाँ ले जाऊंगा। मेरे नाना जी की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है वो दिखाने के लिए मुझे लेकर चलूंगा ना। प्रॉमिस? प्रॉमिस, लेकिन मुझे फॉरेन लेकर चलोगे ना? थोड़ी देर बाद सोचता हूँ। यो यो यो, कम अगेन। तुम्हारी भाषा में बोले तो रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, आई मीन इनकम कम होने वाले यहाँ गैदर होते हैं। पैसों से खरीदे हुए कार्ड से पैसे बनाते हैं। और वीकेंड गेम में खेलने वाले लोग वीकेंड गेम को डेली गेम बना देते हैं। वो हो वॉर्ड गेम? चतुर्मुख, पारायण, काल, पक्ष, क्षेत्र। क्या है वो? मैं बोलूँ तो ग्रांटिकल, पत्ते का। ओहो, गैम्बलिंग। चाइना वाले तरक्की बहुत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में हमने अपने प्रधानमंत्री जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ क्रिकेट खेलो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि क्रिकेट क्यों, ताश क्यों ना उनके साथ खेलें, क्योंकि अगर वो हमारे साथ ताश खेलेंगे तो उनकी बर्बादी तो निश्चित ही है। इसीलिए भाई लोग, जो ताश खेलने में माहिर हो, इलेक्शन का टिकट उसे ही मिलनी चाहिए। वही है वो आदमी। बोला ना? नमस्ते भाई। अरे आओ भाई आओ, कैसे हो? ठीक तो हो ना? नंबर देखने आए हो क्या? भाई वो ना, अब वो कौन है जो जोकर जैसा आधा कपड़ा पहनकर घूम रहा है? उसका नंबर क्या है? हमारी वर्धना अम्मा का नाती है, आपसे छोटा सा काम था इसीलिए आया है।
उसे लेकर तू यहाँ से निकल जा। ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेगा भाई, छोटा सा काम। मैंने है। निकलने को कहा ना। क्यों रे, क्या देख रहा है? अरे पत्ते डाल, डाल ना, कितना पीसेगा? इस गांव के लोग तुम्हारी फैमिली से नाराज हैं। चलो चलते हैं। आज सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, ये गेम बाद में खेलेंगे। ए, अब दूसरा गेम। वो कौन सा खेल है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम पत्ते नहीं डालोगे। अरे जब भी मैं तेरे साथ खेलता हूँ तो मेरा नुकसान ही होता है। हा? हा? क्या कहा तुमने? एमएलए आ रहा है यहाँ? बगल वाले गाँव में आ रहा है तो फिर तू मुझे क्यों बता रहा है? पापा को खांसी आ रही है? तेरा दिमाग खराब है क्या जो घर के न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना रहा है? अरे सुन मेरे छोटू, तेरे पास कुछ रुपए हैं तो तू मुझे देना। ठीक है, तुम लोग खेलो। सुनो मिस्टर, मुझे खेलना नहीं आता। मेरे लिए तुम खेलो ना यार। मुझे नहीं आता। ओ, भाई खेलेंगे लगता है, पूछ के आता। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लड़का है। ए, मिस्टर उसे यहाँ भेज दो, मैं खेलूंगा, उसके पैसों से खेलूंगा और मैं जीतूंगा। आ जाओ आजा। मुझे दो ना। क्या वाह, नजर मत लगा तू, मेरे पास पैसे बहुत है, हिम्मत है तो जीत कर दिखा। पत्ते डाल। जब भी दूसरों के पैसों से खेला तो कभी नहीं हारा, आज पहली बार हारा। तुम्हारा पैसा गया, मेरा खेल का भूत उतर गया। कोई बात नहीं अंकल, एहसान तो कैसे भी चुका सकते हो। क्या? हाँ बेटा, ये है गोकुल, तुम्हारी नानी का घर यहीं पर है। इसके चारों ओर 50 एकड़ का खेत है और इस जगह पर अभी काम चल रहा है बेटा। और जानते हो वो SVR है ना, ये सारा काम उसी की निगरानी में हो रहा है। और ये जो 5 एकड़ की जमीन है उस पर बाजीराव ने कब्जा कर रखा है, ये भी तुम्हारा ही है। क्या हुआ पापा, फिर खांसे क्या? जाकर मुंह में कुछ डाल दो। अच्छा पानी डाले क्या? क्या कहा, वो मेरे बाप हैं, तो एक काम करो उनके मुंह में ब्रांडी डाल दो, फिर खांसी ठीक हो जाएगी। ये बताओ उन्होंने कुछ कहा क्या? इनके नाना जी ने गांव वालों को 100 एकड़ जमीन दी है, वो बताने से मना किए क्या? कौन सी वाली 100 एकड़? बता दिया क्या? और तुमने सुन भी लिया? अरे तेरी तो तेरे पेट में कोई बात पसती ही नहीं। पूछ बेच सकता है कि नहीं? इन सबको मैं बेच सकता हूँ? अरे क्यों नहीं बेच सकते हो बेटा, लेकिन वो जो तुम्हारी पगली नानी है ना, वो हाँ कहेगी तो हाँ, ना कहेगी तो ना। अच्छा बेटा अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे गणेश, नो करंट, नो रोड्स, नो फोन सिग्नल्स। अरे यहाँ कोई साधन ही नहीं है यार, और जीने के लिए हेरिटेज होटल से खाने का इंतजाम करवाना पड़ेगा। तू कुछ भी करके, अपना वो बैल है ना राजू, उसे बोलकर फोन करवा। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले मुझसे वादा करो ऐसे। हमेशा खुश रहो। मुझे पैसे चाहिए नानी। पैसे चाहिए? मैं अभी किसी को भेजकर मंगवाती हूँ। जल्दी मंगवाओ, और थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा। ये पैलेस, ये प्रॉपर्टीज, लैंड्स, फार्म्स, सब मुझे चाहिए। सब कुछ तू ले ले बेटा। सच में? अनबिलीवेबल, ये सब मैं ले लूं? ये सब तेरा ही तो है बेटा, तेरे सिवा मेरा कौन है? थैंक्स नानी माँ, आज यकीन हुआ मेरा भी कोई है दुनिया में। मैं सच में ले लूं? किससे बातें कर रही है माँ जी? पहले ये बताइए कि इसे कहाँ रखूं? मैं अपनी नानी से बात कर रहा था। ए, किस नानी की बात कर रहे हो? पहले ये बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं? है ना, शी इज फाइन, अच्छे से है। उन्होंने ही तो मुझे यहाँ भेजा। ऐसा है क्या? तो फिर इन्हें तुम्हारे मम्मी पापा अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? आप जाएंगे ना माँ? हाँ हाँ जरूर जाऊंगी। मैं अपनी बच्ची से इतने साल दूर रही हूँ, मुझे वो अभी मुमकिन नहीं है। कोई अच्छा ओल्ड एज होम देकर इन्हें वहाँ भेज देंगे। क्या कह रहे हो, इन्हें ओल्ड एज होम भेजना चाहते हो? नानी माँ, ये पैलेस तो मेरा ही है ना, आपकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी है ना। ये सब तेरा है, तेरा ही अधिकार है बेटा। सुन लिया ना, अब चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो, जाओ चलो निकलो यहाँ से। हाँ, ये डायलॉग तो किसी फिल्म का लगता है। अरे हाँ, मुंह में जबान है छुआरे भर की पर बातें बोझ भर की। नानी माँ, ऐसे पागलों को यहाँ से निकाल दूँ? हम लोग एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो, यही हमारी कोशिश है। हर देश में हमारे बड़े बड़े होटल्स हों, फॉरेनर्स आए तो पागल हो जाएं। वाह 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 वाह, क्या प्रॉपर्टी है सर, अगर ये हम ले लेते हैं ना तो 5 सालों में इसका नक्शा बदल जाएगा। तुम्हें मंजूर है ना? ओके ओके, लेकिन इधर ओपन बार सिटिंग्स, फाउंटेन्स। क्या हो रहा है बेटा? औरत कौन है, उसे ऐसा पता है क्या? उससे हमें क्या, वो सब छोड़ो ना। ए रुको रुको, मैं अपनी जगह नहीं बैठूंगी। इसकी बातों में मत आइए, ये पागल है। कुछ नहीं होगा। ये तू क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं नानी माँ, तुमने रात में क्या कहा था याद है? कहा तो था लेकिन मैं इस घर को किसी भी हाल में नहीं बेचूंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप यहाँ के मालिक नहीं है? मतलब
एक्चुअली मैं ही हूँ सर, बट लिटिगेशन बहुत प्रॉब्लम होगी सर। देन वी विल ड्रॉप। सर 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 सुनिए सर, इधर आ बेटा। बेटा मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से आज तक इसी घर में रही हूँ। इस बुढ़ापे में यहाँ से निकालोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं बेचना है, जाओ। अरे नहीं चाहिए, मालकिन ने जो कहा सुना ना, चलो अब जाओ यहाँ से जाओ। अरे वाह, आपकी ही कमी थी, थैंक यू सर। सर चलिए सर, मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टी कोई हलवा नहीं है, जो बॉक्स भर भर के लेकर। क्या प्रॉब्लम है तेरा? कितनी बार कहा कि तुमको इस मैटर में दखल देने की जरूरत नहीं है, कितनी बार समझाना पड़ेगा? तू जिसकी कोख से पैदा होकर यहाँ तक पहुँचा है ना, मैं उन्हीं के साथ खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। तुम्हारा नाम SVR नहीं बल्कि अमरीशपुरी रखना चाहिए। विलन भी कभी कभार हीरो पर भारी पड़ जाता है। भारी? ये मुझ पे भारी पड़ेगा? खानदानी न्यायविद सीनियर वकील, आओ। लॉयर तो है ही, साथ में इस गांव के इंसाफ के देवता भी हैं। देवता मतलब? बुजुर्ग, ओल्ड, सीनियर। ओ, मैंने कहा था ना, मेरे लिए एक होटल। प्रॉमिस 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 डन। सर मैंने अपनी सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। हम्म, तो बोलिए सर, उस बूढ़ी औरत का क्या करें? क्या? वही सर, ओल्ड वुमन। बेटा बुजुर्गों का मजाक नहीं उड़ाते, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ वही सर, उसे पागल समझकर गांव वाले उसकी जमीन जायदाद हड़पना चाहते हैं। गलत रास्ते पे जा रहे हो भाई, तुम ही उस बुजुर्ग औरत के घर में आकर उन्हें चूना लगाकर मेरे बच्चे नागिन नाच मत करो। यू मीन स्नेक डांस? आई मीन स्नेक डांस। क्या बोल रहे हो सर? बिजली राज। इस गांव का यह मनहूस फाइनेंसर है, गरीब किसानों की फसल पकते ही यह धावा बोल देता है। ए, फसल कट गई ना? कट गई। तो ये लोग मुझसे छुपा क्यों रहे हैं? ए, सारा अनाज तुम लोग मेरे गोदाम में पहुंचा दो। तो फिर हम खाएंगे क्या? घास तो बची है ना, तू दोनों मुर्गों को लेकर घर जा। घर क्यों ले जाऊं इन्हें? ये मेरा ऑर्डर है। अरे ये क्यों खींचा? चूसने के लिए। ये बुड्ढों का कारागार है, ये कामचोरों का कारागार है, और ये सुब्बा राव जी का कोर्ट है। बेटा उस बुजुर्ग औरत की सारी जमीन जायदाद के वारिश तुम अकेले ही हो, ये तुम कोर्ट में जाकर। बिजली राज, बिजली राज, बिजली राज हाजिर हो। बिजली राज तुम ही हो क्या? तुम्हें कुछ कहना है अपने बारे में? मैं क्या बताऊं सरकार, मेरे चाचा जी वही इस पागल बुढ़िया के पति थे। उनके मरने से पहले वो कहते थे कि बिजली राज मेरी सारी खेती बाड़ी बाग बगीचे इस पागल के बाद तुम ही संभालने वाले हो। ऐसी वसीयत करके सिर्फ सच बोलना। ठीक है सर जी, उन्होंने जीते जी मुझसे कहा था पता नहीं कब तक मैं जिंदा रहूंगा। उसके बाद मुझे भूखा नंगा छोड़कर लावारिस बनाकर खुद सीलिंग से लटक कर मर गए। खैर अपने जीते जी उन्होंने मुझसे वादा किया था जायदाद देंगे, लेकिन ये पागल औरत SVR के गुंडों को बुलाकर मुझे धमकी दिलाती है। चुप हो जाओ। आई ऑब्जेक्ट, मेरे क्लाइंट की जमीन को कब्जा करके ये सफेद झूठ बोल रहा है। हाँ कमिट करने दो, चुप चुप। आई मीन उस जमीन को अपने कब्जे में कर लिया है, इसीलिए इन पर कब्जे का इल्जाम लगाकर इनको यहाँ कोर्ट तक घसीट कर ले आए हैं माय लॉर्ड। ये बात है, यानी उस औरत की जमीन के असली वारिस यही है। बिल्कुल यही सरकार। नहीं मैं हूँ। कौन है बे? हाँ मैं। तुम्हारा कहना है कि तुम असली वारिस हो? योर ऑनर उसके असली वारिस यही हैं, और ये रहे उसके सबूत। सुनिए हाँ? हमें निकलना चाहिए, चलिए ना। चुप कल मुँह है। लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मेरे पास सबूत है सरकार, मेरे गांव की MPDC। नमस्कार। MPDC साहिबा, आप इन्हें जानती हैं? अरे इन्हें नहीं, इसे कहो। अच्छे से जानती हूँ, एक नंबर का चोर है। जिस घर में दूध लेकर जाता था उस घर की औरतों का मंगलसूत्र लेकर भागता था। ऑर्डर ऑर्डर। नो ऑर्डर, मैं नाश्ता करके आई हूँ। ये आदमी अद्दू रमैया चिंदी चोर का बेटा है। तुम जाओ बहन, बहुत झूठ बोल रही हो। असली वारिस कौन है? अगर उसकी मालकिन खुद यहाँ आकर कह दे योर ऑनर, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उस जमीन की मालकिन जब खुद आकर बताएगी कि ये जमीन किसकी है, ये जमीन उसी को मिलेगी। दैट्स ऑल, कोर्ट इज अर्जेंट। ओम भू भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। नानी माँ, ऐसी आवाज दे रहा है जैसे लग रहा है चोर है। अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ, सुनाई दिया ना? आओ बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है नानी माँ। हाँ ठीक है, जरा रुको, मुझे एक छोटा सा काम है। अरे बाप रे, इतना इंतजार, जरा आराम से बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। पहले वादा करो। ये लो। मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। एक मिनट, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो।
आँखों में? हाँ, आँखों में। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ या फिर वो दोनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तो फिर वादा करो, मुझसे वादा करो, मेरा रिश्ता यहीं तक है क्या? आपकी दौलत में से मुझे कुछ नहीं चाहिए नानी माँ। आई हैव टू गो नानी माँ। इसके जाल में मत फंसना, ये भाग जाएगा। मेरी जिंदगी में तो बस मुसीबत ही मुसीबत झेलना लिखा है, झेलना ही पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा है ये। चुप। हे भगवान, मेरी माँ के हिस्से में आने वाली जमीन कोई बिजली राज अपने कब्जे में करके एंजॉय कर रहा है। ऐसा मत कहो बेटा। प्रॉपर्टी का मतलब रुपए या डॉलर्स नहीं है नानी माँ, ये मेरी माँ की और पुरखों की निशानी है नानी माँ। लेकिन मेरी किस्मत में लिखी है या नहीं है पता नहीं, चलता हूँ। अब ये पकड़ में आया। तुम्हारे मगरमच्छी आंसू के पोल खोल दूं क्या? सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। पता नहीं अब भगवान मुझे कब बुला ले। एक दिन ये सब तुम्हारे हवाले करके मुझे जाना ही है, तो आज ही ले लो ये सब, ले लो। सच में? क्या करना है बता। अरे यार, मेरे साथ कोर्ट चलना होगा। चलूंगी। क्यों रे प्यारे चमचे, अब कुछ बोलना है क्या? तुम्हारे बारे में कुछ भी कहूँ उन्हें समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम यहाँ पर आग लगाने आया हो, और तुमने लगा भी दिया। आग लगी? कहीं मेरा पैलेस उस आग में तो नहीं जल जाएगा ना? चले गए। क्या हुआ? आई ब्रदर, डाउनलोड कमिंग, टचिंग योर लेपम टेपम। क्या लेपम टेपम? मदर्स मदर सी पुटिंग इन वेलो वाटर। अरे तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मुझे रोना चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है? तेरी इंग्लिश मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। क्या कमाल क्या है बोलना यार। छू लिया? देख लिया उसने? नहीं छुआ। छुआ तूने? लैपटॉप उसने छुआ था, इसलिए हल्दी का पानी डालकर शुद्ध कर दिया। अंदर है देख ना। मालकिन को तुमने बेवकूफ समझ रखा है? वो शहरी लोगों से दो कदम आगे है। तुम्हारे मन में चोर है चोर। मेरी जिंदगी जंगल बन गई है, और इन सब की वजह वो पागल नानी है। प्रॉपर्टी कब्जे में आने दो, फिर इन सबको मैं बताऊंगा। आग आग आग। हाँ, इससे ही आग लगा दूंगा। क्यों भाई, हो गया? हेलो, हाँ लॉयर साहब। हाँ पेपर तैयार रखना, और नानी को कब लाना है बताओ। तुम कल सुबह 11 बजे लेकर आ जाओ लूथर फोर्ट। लूथर फोर्ट कौन है सर? लूथर फोर्ट का मतलब भारतीयों की प्रॉपर्टी छीनकर लंदन भागने वाला ब्रिटिश गवर्नमेंट जनरल। आई नो। सब स्पाई कर रहे हैं क्या? नहीं, वो लोग स्प्रे कर रहे हैं, तुम्हें स्पाई लगा। अरे नालायको, तुम लोगों को मीटिंग करने के लिए। अरे जगह यहाँ पे लेडीज लोग भी, वो भी रोड पे। इट्स एम्बैरेसिंग मैन। ये शहर नहीं विलेज है यार। अरे बाप रे। ओ, ये सब मेरे दोस्त हैं। दादाजी के नाट्य संस्था में ये लोग नाटक करते हैं। अगले नाटक में हमारे साथ आना चाहोगे? आज कोर्ट का काम हो जाना चाहिए, प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो जानी चाहिए। बुढ़िया, क्या नानी माँ, कोर्ट का टाइम हो गया है और आप अब तक तैयार नहीं हुई हैं। आज काम वाले नहीं है बेटा, इससे ये साफ सफाई कर रही हूँ, तुम करोगे? क्या? सुकुमार राजा की लॉटरी लग गई, जय हो। ओके ओके। ये अपना ही पैलेस है ना नानी माँ, उसमें क्या है, आप वहाँ बैठिए, सारा काम मैं निपटा दूंगा। तुम इतनी आराम से करोगे तो हम कब जा पाएंगे बेटा? पूरा काम हो गया, अब कोर्ट चले नानी माँ। मुझे नहाना है। चलो। वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा मजाक है, फिर काम करवाएगी। यो, मैंने ढूंढ ही लिया। थप्पड़ क्यों? लड़की को देख के सीटी बजा के बुलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतनी बड़ी मीनिंग होती है सिटी में? दादी अम्मा, वो किस लिए? आपके नाते को मैंने छू लिया है और अभी अभी शमशान से आ रही हूँ। ओ पूजा करने वाली दादी अम्मा। अब गए काम से, अब तो प्रॉपर्टी मुझे मिलने से रही, कर लो जो करना है कर लो। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, बच्ची अभी शमशान से आई है ना। यह सब तुम्हारा कराया धरा है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे रुको, रुको, आओ, आओ, रुको।
रुक जाओ। अरे रुको, रुको रुको, क्या कर रहे हो? रुको, अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? आ, मिल गए। हल्दी के पानी से नहा लो, सब शुद्ध हो जाएगा। ऐसा कृष्ण का इंतजार करते हुए सुदामा बोलते हैं, रे, सब काम हो गया, आओ खाकर जाओ। इधर ही बैठते हैं। अकल नहीं है क्या? करवा सकते हो क्या? उसका बिल कितना हुआ? 3 प्लेट इडली, 2 डोसा 35 रुपया हुआ। और उन फोकट में खाने वालों का ऑमलेट, 4 ब्रेड, 6 प्लेट इडली, 1 वड़ा 85 रुपया हुआ। ए, तूने उसके खाते में लिख लिया ना? था ना, ये डर्टी विलेज है। मैथ्स में कितना ब्रिलियंट है ये लड़का। ऐसा लड़का स्कूल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ काम कर रहा है। स्कूल नहीं है, इसीलिए होटल में काम कर रहा है। नहीं है, चल। नमस्ते बिजलीराज जी। मॉर्निंग गुड ब्रा। ब्रा ब्रा नहीं, ब्रो। नमस्ते बिजलीराज जी। मेरी मामूली इज्जत नहीं है। अरे एक चाय। अरे छोटू, बिजलीराज जी आए हैं। नमस्ते। अबे जाना, मैं नहीं करता नमस्कार। मैंने कोई इससे पैसे लिए हैं क्या जो नमस्कार करूं? अरे नगीना, इस छोटू की बहन अपने पति को बताए बगैर मुझसे पैसे ले गई थी ना, उसका अब तक का ब्याज कितना हुआ? ओ साहब, आप बिजलीराज जी है ना? हाँ। नमस्कार साहब, माफ करना, ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना चाहिए ना, वो हमारे गांव में एक हाथी की तरह है। जरूरत हो ना हो, नमस्ते करते रहता हो रहा है। ये लो आपकी चाय। ए, ये ग्लास में उंगली डाल के चाय क्यों लाया तू? मेरी उंगली में खुजली हो रही थी अंकल, डॉक्टर ने कहा था गर्म पानी से सेकने के लिए, तो सेक रहा था। सेकने को बोला था तो और गर्म जगह रखना चाहिए था ना? अभी तक वही डाल कर रखा था भैया, चाय ला रहा था तो निकालना पड़ा। बहुत सही कहा, उसने बहुत सही बात कही। ये ले, तू पी ले, पी जा। अरे ओ भाई, एक खेल खेलते हैं, जीतने वाले को 500 रुपए मिलेंगे। 500? बोल बोल। यहाँ कोई इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है, आप खेलेंगे? फिर क्या, तुमने इसे छीना क्यों? क्योंकि मैं ही जीतूंगा, इसीलिए। तो गांव वालों, इस गेम का नाम है नॉन स्टिक पैन स्टिक। ये कैसे खेलते हैं? बताता हूँ, इसे ऐसे मुंह में रखकर ऐसे मारना है। तुमको भी ऐसे मारना है? इसमें चोट तो नहीं लगेगी ना? अरे भाई, ये तुम्हारे स्टैमिना पर डिपेंड करता है। अरे नारू, लगता है तू यहाँ से भाग जाएगा। भाई जरा आराम से मारना ना। Come on, बिजली राज। आँखों में अंधेरा छा गया ना, अब तुम मारो, तुम मारो। ला ला ला। अरे बाप रे, ये क्या? भाई जोर से लगी। जरा रुको, जरा रुको यार, तू नहीं मारा ना? मुझे तो चोट ही नहीं लगी। ऐसा लगा मक्खी ने मारा, शायद राजमौली की मक्खी होगी। अब मेरी बारी। अब तुम मारोगे? रेडियो FM दोस्तों, इंसान अपने पाप और पुण्यों का फल यहीं भोगता है। ये रेडियो बंद करवा दो ना। लेकिन अरे रेडियो बंद कर दो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। रुको 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 रुको, जरा संभाल कर मारना। बहुत बढ़िया, आपके जैसा कोई नहीं। जोर से लगी क्या? अरे नहीं यार, मुझे तो लगा ही नहीं। ये ये खेल अब ऐसे नहीं खेल सकते। बाप रे, माँ कहते ही मुझे याद आया, मुझे मंदिर में नारियल तोड़ना था, माँ से वादा किया था। अरे थोड़ा रुक के जाइए ना, खेल रहा जी। नहीं 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 भाई, अब मुकाबला कैसे छोड़ सकते? ये लो तुम्हारे पैसे। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, बाद में खेलेंगे, बाद में खेलेंगे, काम है। नहीं नहीं, ये लीजिए, मैं गर्म पानी ले आई हूं, जल्दी करो। मेरा काम मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जब मैं काम करती हूँ तो बिना पेट वाली औरत भी बच्चा देती है। हट जाओ, अपना वाशन बंद करो, चुपचाप जो काम करने आई हो वो करो और यहाँ से जाओ। छोटे, राजा गिर गया या रानी? जो भी आएगा चलेगा, जोकर गिरा तो बहुत मुश्किल होगा। अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो यार? देख रही हो क्या तुम? मुझे कुछ नहीं देखना, जल्दी करो। छोटे, कौन है ये? पता नहीं, दिखने में तो हीरो लग रहा है। किससे मिलना है तुम्हें? वर्धना नानी का नाती हूँ। अंदर थोड़ा काम चल रहा है। कहाँ है वो पगली? पगली? Shall we go? जाओ। इस गांव में किसी की भी डिलीवरी होती है तो उसे ठीक करने वाली तेरी नानी होती है। क्या ठीक करने वाली? शंकरी, समझाओ इसे। तुम्हारी डिलीवरी हुई क्या? छी, मेरी नहीं, दीदी की। अरे बेटी,
जरा उधर देखो, वो पानी जो तुम देख रही हो ना, वो सिर्फ पानी नहीं, तुम्हारे बच्चे की जान है। अब बच्चे के साथ बंधन टूटने वाला है, उस दुख को दूर रखकर इस छोटी सी नन्ही सी जान को ये दुनिया दिखाने के लिए ही ऊपर वाले की दया है। तेरी जिंदगी खुशहाल हो, ये मेरा दिल से तुझे आशीर्वाद है। तेरा बच्चा हमेशा मेरी गोद में खेले, मेरी बस यही इच्छा है। कमर के एकदम बीच में, कमर के बीच में कहा तो तू हाथ क्यों खुजा रहा है? ये सब किस लिए? खुजली के लिए। क्यों, हॉस्पिटल नहीं है क्या? वहाँ डॉक्टर्स नहीं है तो शुरू हो जा। इस गांव में जो भी बच्चा पैदा होता है ना, वो सबसे पहले अपने माँ को नहीं देखता, बदनाम माँ को देखता है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो सबसे पहले वो अपने, अरे मैंने आपको बताया था ना पापा, वो दादिया माँ है ना, उनके नाती हैं। ओह, कृष्णा देवी के बेटे हो तुम, एकदम अपने माँ पे गए हो। मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। तो फिर कल तुम भी ऐसे? छी, मेरी दीदी को गुस्सा जल्दी आता है इसलिए। अपनी माँ को कितनी तकलीफ दी तूने। नानी, I have to attend the court. बीच में इस डिलीवरी केस को क्यों हाथ में लिया? कोर्ट जाना है, पता नहीं है क्या? क्यों पता नहीं होगा, पर ये जरूरी था ना। तुम चलो। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? अब चलो। अरे नानी माँ, देर हो रही है, चलो यहाँ से। अरे रुको बेटा। नानी माँ, चलो ना जल्दी। अरे रुको बेटा, ये तो बेवकूफों जैसा काम कर रहा है। अरे कोर्ट जाने तक मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, नाटक मत करो, बहुत हो गया, चलो अंदर। अरे नहीं, बैठ जाओ। नहीं बेटा, बेटा, मुझे, ये क्या हो रहा है? उतरिए माँ जी, अक्कल है कि नहीं? तुम्हें नहीं मालूम इन्हें सांस की तकलीफ है? इनकी जान लोगे क्या? हमें कोर्ट पहुंचना है, टाइम हो रहा है। ये इस कार में नहीं जाएंगी। तो फिर कैसे जाएंगी? अरे ओ नानी, 6 किलोमीटर जाना है, 3 घंटे लगेंगे, मेरी जिंदगी के साथ मत खेलो। छे, क्या मुसीबत है यार, मेरे पीछे ही पड़ा है ये तो। तुम्हारे घर पर सब ठीक है ना? What is this man? अब हम चलें सर? कहाँ चले हनुमान जी? हनुमान जी? और क्या कहूँ तुम्हें, कोर्ट बंद हो चुका है। कोर्ट बंद हो चुका है? कल तुम टाइम पर आ जाना। मतलब अब कुछ नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, लेकिन वहाँ नहीं, यहाँ हो सकता है। Oh my God, मरिया। हेलो, सॉरी सर, मीटिंग खत्म हो गई, पर आप नहीं थे। या आई नो, इसलिए आपको नौकरी से निकालने के लिए कहा है। व्हाट, नौकरी चली गई? हाँ, बाय। सर, मेरी जॉब चली गई सर। चली गई? हाँ। मुबारक हो, वहाँ भी तुम देर से गए होगे। तो क्या हम यहाँ बैठकर चाणक्य नीति के बारे में बात करें? नानी मो, अब हम चले बेटा। हाँ चलते हैं, घर चलो, चलो। अरे खींचो मत, नाटक बंद करो। क्या बकवास है ये सब, तुम्हारी जायदाद मेरी नहीं है क्या? ए, ए, तुम पैसों की लालच में खरे सोने को खो रहे हो, तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी गलती कर रहे हो तुम। चलिए माँ जी, आइए। ये तो बड़ा डायमंड मर्चेंट है, सोना कहता है सोना। तुम क्या सोच रहे हो, हार जाओगे? जैसा तुम सोच रहे हो, तुम्हारी नानी माँ लॉयर कोर्ट SPR और बिजली राज विलेंस नहीं है, इनसे बढ़कर एक विलेन और है। तुम्हारे नाना जी ने गांव के बाहर 100 एकड़ जो जमीन छोड़ रखी है, वो जमीन उसके कब्जे में है। वापस लेने की हिम्मत इनमें नहीं है। डायलॉग मारोगे या उसे मारोगे? मालिक, मेरे छोटे भाई ने जब से आपसे पंगा लिया है वो लापता है। अब जैसे बड़े लोगों से दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है, उसे ये पता नहीं था आपने कुछ किया होगा, ये सोचकर मेरा पूरा परिवार घबराया हुआ है। मालिक, मालिक, उसे माफ कर दो मालिक। खेती का लफड़ा बहुत छोटा है, उसके लिए मैं मार कर कहीं गाड़ दूंगा, ऐसा तुम सोच रहे हो क्या? लफड़ा किया है ना, इसलिए डर कर कहीं छुप गया होगा। जा मालिक। Handsome guy, sir. Hey,
डूड, व्हाट्स अप मैन? इस उम्र में भी इतना हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हो? ये सब क्या है? जान पहचान। इस गांव में अगर कोई जानदार और भरोसेमंद है तो इट्स यू। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सच में? शाबाश, सुना है तुम इस गांव में कुछ वसूल करने के लिए आए हो। नहीं, कोई बात नहीं है, बाहर वालों से ज्यादा ही वसूल करके दूंगा तुम्हें। तो धोखा है। नो अंकल, ऑलरेडी मैं उसका इंतजाम कर चुका हूँ। वो गोकुल गांव, वहाँ का बगीचा, नदी किनारे का 50 एकड़ जमीन, वो सब तुम्हारे नानी का है ना? कैश कर लो उसे। फिर वो बिजली राज के कैप्चर में है, वो 5 एकड़, वो भी चाहिए क्या? तुम जो गांव के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो, अपने पर्सनल यूज के लिए करते हो, वो 100 एकड़ भी। तुम इस गांव में मुझ पर विश्वास करके आए हो और तुम्हें मेरी ही जमीन चाहिए? क्या है तुम्हारा कैरेक्टर? अंकल, रास्ते पर चलते समय किसी को 5 रुपए का कॉइन गिरा हुआ मिलता है तो बिना झुके ही, हेलो ये कॉइन आपका है क्या, ऐसे पूछते हैं जैसे दूसरों के पैसों की हमें जरूरत ही नहीं है। जैसे ही 2 स्टेप आगे चलते हैं तो 100 रुपए का नोट देखकर उस पर पैर रखकर इधर उधर देखते हैं और फिर और थोड़ा आगे चलकर 1000 रुपीज बंडल 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 मैन, हम खुद झुक जाते हैं। जब एक नोट के बंडल के लिए इंसान झुक जाता है तो यहाँ 100 एकड़ जमीन कोई कैसे छोड़ सकता है? इंसान के पास 1 एकड़ जमीन हो तो वो आराम से जी सकता है। स्मार्ट मैन, सो उसका इंतजाम कर दीजिएगा। YouTube स्मार्ट ओल्ड मैन। ये सिर्फ एक सूचना है उसकी। इस पब्लिक को तेरे नाना के नाम से मैं तेरी पहचान करवाया हूँ और मैं अपनी जुबान से उसे मिटा भी सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारी जमीन का एक तिनका भर भी नहीं दूंगा मैं, है? तुम्हें इस दुनिया में रहने ही नहीं दूंगा। शहर से आया हूँ इसलिए मुझे बहुत सीधा साधा लवर बॉय समझ रहे हो। मुझे अपने कैरेक्टर में लाने की कोशिश भी मत करना। मेरी ओरिजिनल हैवानियत वैसे ही रहने दो। अगर वो बाहर आ गई ना तो टुकड़े टुकड़े। तू पागल है क्या? ये डायलॉग तो ऑलरेडी फिल्म में आ चुका है। ऐसा क्या? मैंने सोचा कि ऐसे ही फ्लो में निकल गया। अरे यार दिया सुकू, कॉमेडी समझ रहे हो क्या? सच में? यू नो आई एम द बेस्ट सीईओ मैन। हाँ, सीईओ मतलब प्रोजेक्ट होता है और टारगेट्स होते हैं और रिसर्च होना चाहिए। सही है, यहाँ पर उसी के लोग टारगेट में लगे हुए हैं। ओनली 5 मिनट्स, मुझ तक आने मत देना। फर्स्ट टारगेट। अरे सारे टारगेट तो एक साथ आ गए। हराने के लिए दिमाग की जरूरत है भैया। मैंने सोचा था मेरी ताकत काफी है, बड़े भाई को फोन करके बुला लो। टाइम मत देखो, बारिश में मालकिन कभी बाहर नहीं आती। नहीं सुनो, फोन करके अपने लॉयर को बता दो, आज भी वो नहीं जाने वाली। आया आया माँ जी। अरे और जब वो पूजा में रहती हैं तो मौत से भी नहीं डरती। हाँ आया आया माँ जी। अच्छा, बस आ गया। डरो मत, हिम्मत से रहो। ए बेदी, क्या मैटर है? कांग्रेचुलेशन सर, आज आपका कोर्ट का काम हो जाएगा ना? बारिश हो रही है ना। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनो, कोई पुराना स्टैंप पेपर लेकर उसमें तुम्हारे नाना जी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है ऐसा लिखकर कोर्ट में पेश कर दो, बस काम हो जाएगा। ऐसा ही होगा। हाँ। पेपर तैयार करने वाला कौन मिलेगा? काम हो गया समझो।
हो जाएगा। हा? कोई है क्या? तुम पेपर तैयार करो, मैं पेन ले आता हूँ। पता नहीं है क्या कर रहा है। ठीक है। सावन बरसे भीगे तन, लेकिन तरसे मेरा मन। उस दिन बिजली राज को अच्छा मजा चखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे कुछ भी हो जाए वो नहीं करेंगे। कुछ पैसों की जरूरत हो तो। मुझे पैसों की लालच मत दो। हमारा काम कैसे होगा? बस इतनी सी बात है, मेरे साथ चलो, हो जाएगा। तुम करा दोगे सच में? आओ ना मेरे साथ सावन बरसे। क्या बात है, पिताजी की सेवा है। अब क्या करे भाई, मजबूरी है। ऊपर जा भी तो नहीं रहे हैं, इसीलिए पैर दबाकर इन्हें खुश रखता हूँ। अरे तुम अभी तक गए नहीं, उसी के बारे में बातें करने आए हो। जरा कानी धर लाओ। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मेरे पापा ने जाते जाते कहा था, सुन रमेश, अगर तुझे किसी बड़े आदमी से काम निकालना हो तो पैसा नहीं चलेगा, उसका हमराज बन जाना। अब आप ही बताओ क्या करूं मैं, राज पर्दाफाश कर दूं? किसी को पता चला तो इज्जत चली जाएगी, तो काम हो जाएगा ना। क्यों जबरदस्ती? तो बोलो होगा कि नहीं? तूने किसी और को बताया? अभी नहीं। तो ठीक है, मैंने ये सोच कर लालच किया कि कोई देख नहीं रहा है, अब देखो फंस रहा हूँ। क्या हुआ, तुम्हें भी कुछ कहना है क्या? तो फिर बको ना। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो सच कह रहा है। क्या कहा ब्लैक? अरे मैं कमर में काला धागा बांधता हूँ, चल भाग यहाँ से। पापा इस कागज पर अंगूठा लगा दीजिए, और तुम बेटा तुम अपने दादाजी का साइन करो। अरे बुड्ढे कांप क्यों रहा है, अब जल्दी से अंगूठा लगा दो। चलो लगा दो, लगा दो, अब हो गया। हे डोल, साथ नहीं है क्या? डोल किसको बोल रहा है? हा? सुक्कू सर को बोला। सुन इज्जत से बात कर। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। डोल की तरह बजा दूंगा तुझे। क्या हो रहा है? अरे देखो पीछे जाओ। कैसे बोल रहा है? इतना लेट क्यों हो गया? हेलो सर। हेलो। हेलो। चलो कहीं और बैठते हैं। ठीक, कुछ भी बोलते हैं। आइए आइए आइए, यहाँ पर बैठते हैं। ये लीजिए सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स। ओ, साइन किया हुआ है ना, जरा इसे देखिए। सर जिराफ जरूरी है क्या? जिरॉक्स? उसकी जरूरत नहीं है, अब हिसाब किताब करना है। तो क्या लेकर लेटर लेकर आओ? मैं जरा पूछ के आता हूँ पिताजी। और क्या है? कल साइन प्लीज, फॉर्मेलिटी। पेन सुखो, एक बार सोच ले। तू मुझे समझा मत, तू जा यहाँ से। ये लीजिए टोकन। सर ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट से संबंधित स्नैप्स अपलोड करने हैं। चलो या नाइस पिक्स। नो ए, इसे तुम रखो। ए, पैसे और डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए? सर मेरा कमीशन। सर तू नहीं लिए होंगे। मुझे क्या पता सर, यहीं पे तो थे। मदर मदर कमिंग टेकिंग बैक। ये तुम्हारा किल 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 किल। नानी माँ, पैसा और डॉक्यूमेंट्स आपने वहां से लिए क्या? अगर ये बात दोबारा जबान पे आई ना, तो पहले उल्टा करके निचोड़ूंगा, फिर जमीन में गाड़ दूंगा। अब हो गए एकदम शुद्ध। ए, 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 ये सब क्या है? ये मुझे मैदान में पड़े मिले थे तो। शिट, रुक रुक, पागल क्या ये करना चाहता है? ये पागल है, तेरी समझ में क्यों नहीं आता? बकवास बंद करो, समझते क्या हो तुम अपने आप को? तू नहीं रहा। जो इंसान खाना खिलाता है वो भगवान समान होता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। अगर हम नहीं आते तो तू इनकी जान ले लेता। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या किया है उन्होंने? तू चुप रह, बंद करो अपना ये ड्रामा। ड्रामा ड्रामा कर रहा और क्या? रुको सुनिए मालकिन। अचानक मेरे सिर पे चोट लग गई है और घाव हो गया। नहीं हुआ नहीं है, अगर हो जाए तो क्या करेंगे? और क्या करेंगे, गाय का थोड़ा गोबर लेकर यहाँ पर लगा देंगे। और उससे जख्म और गहरा हो गया तो? सर को काटना पड़ेगा। और अगर कोई और खतरनाक बीमारी लग गई तो क्या करेंगे? एक थाली में थोड़ा सा चूरन। ठीक है ठीक है ठीक है, रुकिए। हाँ। ये बताइए, हमने कोई चीज 6 रुपए में खरीदी, वही चीज हमें दुगना चाहिए तो क्या करेंगे? हाँ वो उसके लिए, हाँ जो सामान लिया था उसको 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग वजन करके दे दिया तो 2 हिस्से हो गए। हाँ, हमारे गांव के लोग बहुत सुन रहे हो इन्हें, पूरे गांव वालों से पूछ लो, ये पागल ही हैं। ऐसे पागल को बेवकूफ बनाकर इनकी दौलत हड़पना चाहते हो? अभी तो तुम इनसे मीठी मीठी बातें करके अपना उल्लू सीधा करोगे, फिर इन्हें यहीं छोड़कर चलते बनोगे। हाँ, उसके बाद इनका क्या होगा? नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे किसी से प्यार नहीं है ना, यही तुम कहना चाहते हो ना? लेकिन इन्हें तो है, उसी प्यार के बल पर ही अपना सब कुछ मेरे नाम करिए, तो इसमें तुम्हें क्या है? अफसोस नानी माँ, यहाँ प्यार सिर्फ मैं ही दिखा रहा हूँ, तुम दिखा रही हो क्या? अरे 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 रो मत बेटा, आंसुओं को रोक लो, मैं देख नहीं सकती। इसका दिल मत दुखा, अब ये बच्चा है। तुम्हारी माँ की शादी के बाद हमारे घर पर कयामत टूटी थी,
नहीं बेटा, तू जहाँ कहेगा मैं साथ चलूंगी, तू जो कहेगा मैं करूंगी, तू जो चाहता है वही होगा, मैं कोर्ट में भी चलूंगी। तू रोना बंद कर। माँ जी, सहा नहीं। क्या ये? सच में आप पागल हो गई हैं। जो मर्जी आए वो कीजिए। सुनो, देख थोड़ा सब्र रख, तेरा काम हो जाएगा। सोचा था आज मेरा काम होगा लेकिन आज भी नहीं होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ के। जरा हंसना। हाँ ऐसे मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ यार। तू भी बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। हाँ? नो, आर्टिस्ट। ओ हेलो, कौन है वो जिसने मेरी प्रॉपर्टी में एंट्री की है? कुछ गड़बड़ लगता है, कहीं खेल ना उल्टा पड़ गया। कौन है आप? हाय, हम देवकी। मेरे पिताजी देवराज राघव राव जी के यहाँ से मैं आई हूँ। राघव राव जी के यहाँ से आई हो? अरे बाप रे, ये मुझे दे दो। अरे क्या कर रहा है यार तू? हे, ये मेरे मामा जी हैं। इनकी गोद में ये बच्ची कौन है? इट्स मी। ओ, मेरे मामा जी की तुम क्या लगती हो? He's my father. फादर हैं? देवराज राघव राव जी की बेटी मतलब बड़ी मालकिन के बेटे की बेटी। कानूनी तौर पर देखा जाए तो बड़े बेटी इस पर जायदाद का पहला। मेरे अपनों ने मेरी शादी के इरादे से मुझे यहाँ पर भेजा था। मेरी माँ बचपन में ही चल बसी। इतनी बरसों से मैं मेरे परिवार से भी नहीं मिली थी। मेरे दादा को कभी नहीं देखा, वो भी चल बसे। बड़ी मुश्किल से एक बैंक से एड्रेस निकाल कर सच्चाई जानने के लिए मैं यहाँ पर आई। लेकिन यहाँ पर अरे मैं समझा नहीं, उसे लाओगे या भेजोगे? मेरी माँ और नानी का प्यार मुझे यहाँ तक खींच लाया, तुम्हें तुम्हारे बाप के प्यार तक सीमित रखने में कौन जिम्मेदारी पता है? वो देखो, वो बाल्टी भर भर कर जो हल्दी का पानी बना रही है ना, वही है वो बुढ़िया। हम दोनों की दुश्मन है, नहीं छोड़ूंगा, तुम चली जाओ। पहले ये बताओ कि आपसे उनकी जान पहचान किसने करवाई? सुकुमार अब गया काम से। ये मेरी देवी है। जानती हो क्या कह रही हो? ये सच में देवी है। क्या हुआ बेटा? चुप रहिए, यह आपकी पोती है माँ जी, ये पहले यहाँ कभी नहीं आई। वैसे आप यहाँ क्यों आई हैं? बेचारी को कुछ काम होगा। अरे काम, माय फुट, शी इज क्राइंग। वो सब ठीक है, तुम बिगड़ क्यों रहे हो? नानी माँ, ये मेरी फ्रेंड है और ये लव फेलियर है। आ? ये बहुत मुसीबत में है, कुछ दिन यहाँ रहकर ये चली जाएगी। मैं खुद इसे भेज दूंगा। मुझे सरदर्द बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या कहा? वो लड़की देवकी तुम्हारी जगह लेगी? नहीं तो क्या, मैं काम करता हूँ, अगर मैंने उसे अपने कंट्रोल में रखा तो पता है ना। वीरप्पन, अरे उस देवकी ने कहा कि अगर वो सच है तो क्यों ना हम उसका डीएनए करवा लें? डीएनए के बाद मालकिन उस लड़की को अपने बेटे की बेटी मान ली तब क्या होगा वीरप्पन? तो फिर आप ही बताइए क्या करें। प्रूफ के तौर पर उसके पास बचपन का फोटो है, तो मेरे पास कोई प्लान नहीं हो सकता? आप भी तो हैं। असल में इस घर में क्या चल रहा है ये तुम्हें पता है ना? तुम एक लालच लेकर यहाँ आए थे, वो तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। सुनो, उस लड़की के यहाँ से जाने तक घर वालों को और अपनी नानी को अपने फेवर में रखो, या जो दिल में आए वो करो। अरे वाह, इतने सारे प्रूफ। देवकी, डॉटर ऑफ देवलराज राघव राव। क्या हुआ अंदर, क्या हो रहा है बेटा? वो क्या है, मुझे थोड़ा गुस्सा आया था। ये कौन सा गुस्सा है? डेंजर था। हल्दी में अच्छे गुण समाए हैं। तुम मेरे रूम में क्यों आए थे? हाँ छोड़ो, okay, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? पापा के कहने पर मेरे बचपन की छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने के लिए, मुझे मेरे खानदान की पहचान चाहिए थी, इसलिए बचपन में ही मेरी माँ चल बसी, इसलिए लव अफेक्शन ये बटोरने के लिए आई। उस लड़की को जो भी चाहिए उसे देकर भेज दो। सच में इसलिए मैं यहाँ आई। देवकी, ये तुम क्या? मैं समझ गया देवकी, तुम अपने बारे में कहती हो तो लगता है मेरे बारे में कह रही हो। इस घर का हर एक फन, लव एंड अफेक्शन मैं तुम्हारे ही हवाले कर दूंगा। हाँ, और यही कहने के लिए मैं रात को तुम्हारे रूम में आया था। मेरा विश्वास करो, सच में मेरा विश्वास करो देवकी, मेरा विश्वास करो। हाँ?
यही है तेरे शैतानियत का इलाज। बाप रे, पूरा बदन टूट रहा है, चलने की हिम्मत नहीं है। क्या हुआ बिजली राज जी? कल रात को 4 बजे तक पप्पू के घर पर 6 बोतल चढ़ा लिया। क्यों फेंक रहे हो? एक से ज्यादा होता है तो लुढ़क जाते हो आप। चुप रह। काल चक्र की तरह चक्कर काटते काटते गटक लिया। मैं पिया था, वो किया था, ऐसा हमेशा क्यों फेंकते रहते हो? चुप कर रहे भिखारी, फेंक नहीं रहा हूँ मैं, पिया सोडा डालकर पिया। रुको हीरो। क्यों भाई, किसी लड़की को यहाँ लाकर मैंने सुना तुम अपनी सेटिंग जमा रहे हो? सच बात है या फिर इनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। चल, क्वार्टर अंदर जाते ही सच्चाई बाहर आती है। लेना है बोलकर तुमने अपनी सेटिंग कर ली ना। मुझे फोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कुत्ते को मारकर मैं बेवजह अपने ऊपर केस नहीं लेना चाहता, इसलिए छोड़ रहा हूँ। चल यहाँ से। कुत्ता बोला। क्या बात है देवकी? दादी माँ, मैं करती हूँ। नहीं दादी माँ, मैं करती हूँ ना। मैं ही करूँगी। बस इतनी सी बात? वो कुछ नहीं था यहाँ तो। अरे अरे अरे, ये तू क्या करी है? तू यहाँ से बाहर जा, तू यहाँ से चली जा, मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, चली जा यहाँ से। दादी माँ मुझे पहचानती नहीं इसलिए ऐसा कर रही है, पर मैं हारूंगी नहीं। जानते हो अब मैं क्या करूँगी? रुको 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 रुको, ए ए ए ए, नहीं, स्लीपिंग, नो, जगाना मत, नहीं, एक, रात भर मंदिर में सोना है, ऐसा क्यों नानी माँ? ऐसा करने से शादी जल्दी होती है, ऐसा पंडितों ने कहा है। क्या दादी माँ, इस उम्र में आप शादी करोगी? जी, बेवकूफ कहीं का, कुछ भी कहता है। तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारा घर बसा दूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। नानी माँ, करियर के सिवा मैंने कुछ सोचा नहीं है, मेरी बात आप समझ नहीं पाओगी। फिलहाल शादी करने का कोई इरादा नहीं है, अगर करवानी है इसकी करवा। अरे बाप रे, नहीं नहीं, मैं तो फॉरेन की लड़की से करूंगा। फॉरेन की लड़की से? रुक रुक, फॉरेन की लड़की। अरे सुन तो, हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? आसमान में उड़ने वाली पतंग बादलों के पार जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी डोर किसके हाथों में। ऐसे ही आपके पोते की डोर एक लड़की के हाथ में। कौन है वो? शंकरी। मर गया। चाचा, ये सब कलर्स किस लिए? दरअसल वो मेरी बेटी के जाने के बाद ये दरवाजा 6 महीने से बंद है बेटी, इसलिए रंग लगवा कर इसे शुद्ध कर रही हूँ। हो, मुझे लगा था कि किसी की शादी की तैयारी है। छे, गृह प्रवेश है बेटी, उसे घूरना बंद कर, ये कार्ड ले जाकर मेरे पोते के साथ इसे बांट कर। ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा, ये बुलाने वाली फॉर्मेलिटीज, आई डोंट लाइक इट। मैंने कहा था ना, वो बेवकूफ कभी नहीं सुधरेगा। ए! तुम्हारे नाना जी जाते जाते मेरा सिंदूर लेकर गए, इसलिए मैं उन्हें नहीं बुला सकती। तुम मेरे बेटे हो, प्लीज। क्या बात है, इंग्लिश? यस यस। हाँ, मैं भी चलूँ क्या सुकू? तुम इस घर की सदस्य नहीं हो, ना ही इस गांव की हो, ऐसे में लोग कहेंगे कि खुद आने के बजाय औरों को भेज दिया। चलें क्या? चलो आओ बैठो। कहाँ? अरे यहाँ। हाँ, मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बहुत धूप है, लो ओढ़ लो। तुम तो सुकुमार हो ना? फिर तुम्हें? मुझे इन सब की आदत है, इसकी जरूरत नहीं। तुम बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो, तो फिर मुझसे इतना लड़ती क्यों रहती हो? अब तक मैं ये समझा नहीं। मुझे नहीं पता था, वैसे इंडिया में एक्सीडेंट्स तो कॉमन है। एनीवेज फ्रेंड्स, बढ़िया, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, हमारे घर में खाना सबके लिए फ्री है, पूरे परिवार के साथ है ना। अरे कोई दिख नहीं रहा है। आज कोई नहीं दिखेगा। ये कौन है तू जो यहाँ पर आकर दावत दे रहा है? इंसानियत भूल गए क्या? नमस्ते सिस्टर। नमस्ते सिस्टर, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। मैं औरतों से बात नहीं करता। ये संसार बहुत अद्भुत है, यहाँ जीतने के लिए इंसान के अंदर बहुत हिम्मत होनी चाहिए। तुम अगर नफरत करोगे तो तुम्हें भी नफरत मिलेगी, तुम अगर अपनों से प्यार करोगे तो ही तुम्हें प्यार मिलेगा। प्यार की कीमत को समझो, तुम्हारी माँ ने भी अपने प्यार के लिए ही अपनी जान दी थी। तुम्हारे नाना जी को पूरे गांव के लोग भगवान जैसा मानते थे,
बस उनके दर्शन के लिए आते थे। जो लोग बेरोजगार हैं वो बिना झिझक मेरे यहाँ काम करें, जो लोग बीमार हैं वो दवा के साथ साथ मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। जात पात का भेदभाव छोड़कर एक धागे में पिरोया था हमारे बापूजी ने, और तुम सबके ऊपर एक छोटी सी दुख और तकलीफ आ जाती है तो भेदभाव में फंस कर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो। गलत लोग नहीं हम खुद होते हैं, इसलिए अपने आप को बदलो। मैं अपनी जायदाद से तुम सबको एक एक एकड़ भूमि दे रहा हूँ। अब तुम सब लोगों को एक नया गांव बसाना है। तुम्हारे नाना जी का दिल बहुत बड़ा था, उनके बच्चे ही उनके लिए सब कुछ थे। एक तुम्हारी माँ कृष्णा देवी और दूसरे तुम्हारे मामा। ये मेरा लड़का है, इसे डरा धमका कर थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिली इसे। विद्या सबसे बड़ी दौलत होती है, जिसके पास विद्या है उसे दौलत की कोई कमी नहीं। तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो गई, जाओ बाबूजी। देखा बेटा, हमारे रंगा स्वामी के पास इतना पढ़ने के बाद भी कोई काम नहीं है। तुम्हारे नाना जी के एक मजदूर का लड़का तुम्हारी माँ से प्यार कर बैठा, वो तुम्हारी माँ को ट्यूशन देने आया करता था। मैं ट्यूशन जा रही हूँ बाबूजी। ये क्या बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, गाँव वालों को खाना दीजिएगा। मैं चलती हूँ बाबूजी। जल्दी आने की कोशिश करना। माँ आशीर्वाद दो। अरे मैं पूजा कर रही हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत है माँ। किस लिए बेटी? कुछ नहीं, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हे शैतान कहीं की। बहन मैं छोड़ दूँ? मैं चली जाऊंगी भैया। तुम्हारी माँ ये समझ बैठी कि अपने प्यार को घर वालों से छुपाकर उसे पाने में ही भलाई है, लेकिन उसे प्यार के जाल में फंसाया जा रहा था किसी और आदमी के लिए। कौन है जो मेरी होने वाली बीवी को भगा के ले गया? वो किसके साथ गई है ये हमें नहीं पता मालिक, मैंने आपके साथ धोखाधड़ी की है ऐसा हमारा खानदान सोच रहा है। जात पात का भेदभाव मिटाकर एक होने की ताकत सिर्फ उसके अंदर होती है जिसके अंदर इंसानियत होती है। स्वामी मुझे पता था तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है, मेरी बेटी मुझसे कहे इसका इंतजार कर रहा था। इस गांव में जात पात का भेदभाव छोड़कर एक दूसरे का हाथ थामना ही मेरा असली मकसद था, तो चलो उसकी शुरुआत हम आज से ही करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर उस जालिम ने पूरे गांव में जंगल राज बना दिया। नागराज ये सब क्या है? ये सब बदले की आग है, उस नीच लड़की के वंश का सर्वनाश कर दिया। नीच लड़का जब भी मेरे हाथ लगेगा उसे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अब बोलिए आगे क्या करने के लिए बचा ही क्या है? मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन नीच लोगों को सबक सिखाने के लिए करना पड़ा मुझे। नहीं मालिक छोड़ दीजिए। ए क्या कह रहा है वो, जुबान बंद रखो तो ही भला ही है, आग बुझनी नहीं चाहिए, सब चला डालो। मेरी वर्षों की कोशिश चलकर खाक हो गई मालिक, मेरी बेटी के एक गलत कदम ने। मालिक मालिक, बेटी के भागने का गम और गांव की बर्बादी के गम ने उन्हें बीमारी से जकड़ लिया, बहुत इलाज हुआ उनका। तुम्हारे नाना जी की जागीर और इज्जत की रक्षा करने के लिए सिर्फ तुम बचे थे। ए! सुकुमार चाचा जी कैसा है बेटा? मैं आ गया। अच्छा है ना, देखिए कौन आया है। ये हाँ? देखो बेटा मौसी। मेरा बेटा घूमो घूमो, क्यों शर्म आ रही है? हाँ? ओह ये मामा जी को, ये मामी को, ये आपको, नाना जी के लिए, नानी के लिए, चाचा के लिए, ऐसा मम्मी ने कहा था। बाकी के लोग कहाँ हैं? माले नाती आया है। यही नाना जी हैं। जाकर प्रणाम करो। ये लीजिए नाना जी, माँ ने आपको देने के लिए कहा था, लीजिए। ये 10 दिनों तक यहीं रहेगा, जब तक ये यहाँ है हम खुशियाँ मनाएंगे। जी बहुत अच्छा। नानी माँ मेरे लाल। शुभम तुम वापस आए तो उनकी जिंदगी में खुशियाँ वापस आ गई।
चलो। क्या है ये? सुको सुको मुझे भी दो ना बबली गम। बबल गम को बबली गम कह रही है। बबली गम, बबली गम। मुझे भी सिखाइए ना। मेरे नाती के नाम से पूजा करिए। नाम क्या है इनका? इसका नाम है सुकुमार, पिता का नाम श्रीनिवास, माँ कृष्णा देवी। ये कृष्णा देवी का लड़का है। नागराज जी, ये सब ठीक नहीं है। सारे गांव का फैसला लेने वाले मुखिया को इस पंचायत में बुलाना ठीक नहीं है। गलत करने वाला इंसान हमेशा गलत ही करता रहता है। तुम्हारी ये मुखिया अब इस गांव के लायक नहीं है, इसीलिए ये पंचायत बुलाई गई है। क्या किया इन्होंने जिसके लिए पंचायत बुलानी पड़ी? क्या किया इन्होंने? तू इधर आ। बच्चे, तू इस गांव में किसके घर में आया? तू डर मत बेटा। तुम्हारा नाना कौन है? नहीं, मैं सच बताता हूँ, तुम्हारे नाना जी श्री 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 अच्युता रमैया जी, मतलब वो ये हैं, इनकी बेटी चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती कृष्णा देवी, मतलब वो इसकी माँ। इस गांव के रीति रिवाज को बदल कर अंधकार में धकेलने वाले कृष्णा देवी और श्रीनिवास का बेटा है। ये सोचे इस सच्चाई का पता चलने पर गांव वाले इन पर थूकेंगे, इसलिए झूठ का सहारा लेकर हम सबको गलत बताने का जुर्म इन्होंने किया है। बच्चे की वजह से इस गांव को कोई तकलीफ ना हो और गांव वालों की वजह से इस बच्चे के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ना कैसे इंसान हो तुम, अपने बच्चे से इतना बड़ा झूठ बोल गए? अब तू ही बता, ऐसे इंसान को गाँव का मुखिया बनने का कोई हक है? अब तुम ही बोलो, भला बोलो ना। देख लिया, मेरे फैसले के साथ बच्चे ने भी सिर हिला दिया, इसलिए पूरे गांव की जिम्मेदारी अब मेरे हाथ में दे दो। सुनिए रमैया जी, जिंदगी की किताब से कोई भी पन्ना फट नहीं सकता, लेकिन वो जल जरूर जाता है। आज आपका बेइज्जती का पाठ है। आज के इस दिन के लिए पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहा था, अब इस गांव की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, क्या आप देंगे? ले लो। नहीं मालिक। मधुमक्खी दिन रात एक करके शहद जमा करती है, छत्ता भर जाने पर इंसान उसे पल भर में तोड़ देता है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ अपने बारे में ही सोच सकता है, लेकिन मधुमक्खी को दुख नहीं होता। इससे हमें यही संदेश मिलता है कि हम किसी का धन दौलत रुपया पैसा तो लेकर जा सकते हैं, मगर उसकी किस्मत लेकर नहीं जा सकते। ये भी ऐसा ही है, ये मुझसे मेरे अधिकार के सिवा और भला क्या छीन सकता है, लेकिन मेरे अच्छे कर्मों के पुण्य को कौन छीन सकता है? लाओ। चलो बेटा। तुम्हारी माँ ने गलत कदम उठाकर तुम्हारे नाना जी को चोट पहुँचाई थी, लेकिन तुमने उन्हें सदमा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे नाना जी पर क्या गुजरी थी। ये भी तुम्हारी माँ को नागराज ने दिया था गिफ्ट के तौर पे। जाने अनजाने में तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए इस गाँव के कई लोगों ने जान दी है। एक बार तुम इन सबको प्यार से देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। सॉरी, ये सब मुझे नहीं पता था। ये तुम्हारे खानदान को बर्बाद करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ये उसका जिम्मेदार नहीं है। दो खानदान के बीच चल रही रंजिश को सड़क पर लाकर तमाशा बना दिया था। मैं उसकी साक्षी हूँ। 20 साल पुरानी दुश्मनी का बदला इससे लेने का क्या मतलब है? जवाब है, अगर फिर भी तुम लोग चाहते हो रमैया जी के नाती को मारना, तो ये तुम्हारे सामने खड़ा है। कर लो गुस्सा ठंडा, जाओ बेटा। आप हमारे घर आइए। चलो। ये तुम्हारे नाना जी के कपड़े हैं, ये तुम पहनकर बड़े आदमी बनकर बाहर जाओ बेटा। ये? मैं जाकर खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। फॉर्मल्स नहीं है। Thank you.
कब का? तो फिर ये लो, ये लो। हो गया। कब का मतलब अभी बड़ी माँ। ये लीजिए आपके लिए फोन। मेरे लिए किसका फोन? कोई अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन मुझे क्यों फोन कर? पता नहीं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जरा इसे पकड़ो। मैं क्यों पकड़ूं? अरे पकड़ो पकड़ो। अरे पकड़ो बेटा। चलो पकड़ता हूँ। सुनिए, सिग्नल नहीं मिलता है, बाहर चलिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है छोटे। बिल्कुल नहीं, गृह प्रवेश है, उधर चलकर बात करते हैं। माँ फिर से खुल गया। अरे छी, ये पकड़ो, कुछ ना कुछ लगा रहता है। चलो मुहूर्त का वक्त हो रहा है, क्या हो रहा है? उन लोगों को संभालो। जल्दी आना। अरे तू तू चलना बेटी, चलो चलो। अरे चाचा जी, अंकल आपका फिर से फोन आया है। अरे अब कौन आया? कोई सलमान खान है। अरे ये अमिताभ बच्चन और सलमान खान को कोई काम नहीं है क्या? मेरे पास इतना टाइम कहाँ है? हेलो, यहाँ पर नहीं, सिग्नल बाहर पकड़ेगा। तेल लगाया करो, कितनी बार कहा है मैंने तुझसे। माँ फिर से खुल गया। चल मेरे साथ। सुनो तुम वहाँ जाओ। छोटी सुन, इसे मैं ले जाती हूँ, तुम ये थाली लेकर वहाँ जाकर रख दो, ठीक है? ठीक है। लगता है इसे कहीं देखा है। अरे मेरा लेपम टेपम, छी, लैपटॉप। तुझे पता है ना पूजा के टाइम पर लैपटॉप का क्या मतलब है? उसे पहले भी हल्दी के पानी में डाल चुके हैं। बहन जी दाम्पत को अक्षत डालकर आशीर्वाद दीजिए। अरे बजाओ बजाओ बजाओ। उधर देखो, ओपनिंग नहीं शादी हो गई। हंस क्यों रही हो? बैड टाइम मैन। कार्यक्रम तो हो गया, अब गाना बजाना हो जाए भाई। एक मिनट। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? साउंड पोल्यूशन हो तो कान में कॉटन डालते हैं। अरे ऐसे क्यों बांध रहे हो? बुजुर्ग हैं, नहीं सह पाएंगी ये। आप शुरू कीजिए। बंद करो। मतलब तुम गा तो ठीक से रही हो, लेकिन पब्लिक को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। अब ये क्लासिकल सॉन्ग बंद करो और इसे मुझे दो। आजकल की लड़कियों में शर्म नाम की चीज ही नहीं है, है ना शंकरी? ए, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? किस कुल की हो? किसकी बेटी हो? डोरे डालने के लिए मेरा ही नाती मिला? अभी अभी इस घर में, इस गांव में खुशियां आई हैं। तुम्हारे प्यार की वजह से इस गांव में और कितने सर गिरेंगे हे भगवान। दादी माँ, मैं आपके बेटे राघव की बेटी हूँ। मेरी माँ का नाम दीपा है दादी माँ। ये बात मैं आपको, अरे देवकी, नानी माँ ने मारा इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। चलो रुको, मैं कौन हूँ ये बात यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं जानता। कम से कम दादी माँ को तो बता। ऐसी बात नहीं है देवकी, इस बच्चे ने कहा वो सच है। तुम इनकी पोती हो, इस बात को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? बताओ, जो है वो सबको बताओ। उनकी शादी के फोटोज और तुम उनकी बेटी हो उसका प्रूफ, जेरॉक्स कॉपीज, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और तुम्हारे पेरेंट्स के फोटोग्राफ और राशन कार्ड और जो कुछ भी है सब बताओ। मैं ये सब लेकर नहीं आई। देवकी तुम्हारा ओरिजिनल नाम है ना, या फिर नानी माँ की जायदाद हड़पने के लिए यहाँ आकर धोखा दे रही हो? ये सारी बातें मैं पहले तुम्हें बता चुकी। नो, मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ भी नहीं बताया। इतने दिनों से तुम यहाँ रही, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? रुको, तुम्हारा बाप कौन है ये साबित करो, जाओ। कुछ नहीं, ये होते रहता है। अरे बेटा क्या हुआ? तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? मैंने सुकुमार पर भरोसा किया था। तुमने बहुत बड़ी गलती की। पापा के कहने पर मैं यहाँ पर आई, क्या मैंने गलती की? यहाँ आकर कोई गलती नहीं की बेटी, बस गलत आदमी पर भरोसा कर लिया तुमने। सब लोग यहाँ एक साथ, बताइए बात क्या है? इतने सालों से तुम्हारे नाना जी के बाद तुम्हारे मामा जी भगवान को वस्त्र चढ़ाते आए हैं, उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे तो अच्छा होगा, हमारी यही राय है। बहुत सालों बाद ये उत्सव हो रहा है ना, आप आते तो अच्छा होता, हम मिलजुल के धूमधाम से मनाएंगे। हमारे बुलावे पर आप आए थे तो आपके बुलावे पर हम आएंगे। बेटा आज से इस पंचायत का फैसला तुम ही करोगे। नकली समझाओ। करूंगा, नाना जी ने किया है तो मैं भी कर लूंगा। बड़ी बड़ी हाँक रहा है। वो क्या कहते हैं, पंचा जूरी अदालत। बापू सुकू। क्या करना है मैं जानता हूँ। मैंने ये करने को नहीं कहा, छतरी के नीचे आने को कहा था। अरे तू यहाँ आ ना। नमस्ते सरकार। हाँ बताओ,
मेरे पिताजी जाते जाते एक एकड़ जमीन छोड़कर गए, उसमें मैं ही खेती करता हूँ। खेती मैं संभालूंगा, तू कोई दूसरा काम देख ले, ऐसा मैंने अपने छोटे भाई से कहा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और कुछ नहीं मालिक, मुझे खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं आता, मेरे भी बाल बच्चे हैं। हमारा क्या चमत्कार है, जो अधिकार नाना को नहीं था वो नाती ले रहा है। ये पंचायत, ये फैसला सब बकवास है। इसे ये अधिकार जनता ने दिया है, जबरदस्ती नहीं लिया इसने। तुम चुप रहो। उन्हें फैसला करने का हम लोगों ने ही हक दिया है नागराज जी। ये गांव भी मेरा है और हक भी मेरा। जो फैसला मैं कर सकता हूँ वो ये बच्चा कैसे कर सकता है? ये मेरी जगह है। तो क्या हा? मेरे नाना की जमीन तू निकल जाएगा? करंट नहीं है, अंधेरा है, गांव में पानी नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, बच्चे रोड पर घूमते हैं। अरे उसे रोड कहते हैं क्या? खाली पानी डालकर उसे भिगो देने से रोड नहीं बन जाता, समझे? अरे इस गांव में एक सेल टावर तक नहीं है। नागराज जी कहते हैं कि सेल टावर गांव वालों के लिए ठीक नहीं है। इस गांव में सेल टावर बिठाने के लिए नागराज जी ने कमीशन की मांग की है, ऐसा सुनने में आया। अरे ये तुम्हें कैसे पता? अरे बाप रे कमाल है, ऐसी बातें तुम्हें जल्दी पता चल जाती है। सिर्फ टावर होने से विकास होता है, ऐसा किसने कहा? फॉरेन में छोटे छोटे गांव पूरे शहर को संभालते हैं, यहाँ तो शहर के आगे विलेज भीख मांगते हैं, बिजली दो, पानी दो, ये सब कह के। ये ऐसे कह रहा है कि जैसे ये एक ही दिन में इस गांव को फॉरेन बना देगा। जवान है ना, इसीलिए। ये सब छोड़िए, चलिए चलकर हम लोग पत्ते खेलते हैं। माचिस की कौन सी तीली जंगल को जला देगी ये किसी को नहीं पता, कोई भी जला सकता है। उसी तरह एक ना एक दिन कोई इस गांव को बदल देगा, लेकिन जब तक तुम जैसे लोग यहाँ पर है तब तक कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है। काहे का बदलाव? कैसा बदलाव? बदलाव कितना मुश्किल है, कितनी मेहनत है, ये तू क्या जाने? ले ले, सब कुछ ले ले, देखता हूँ गांव को यूएसए कैसे बनाता है। ले ले। अरे नहीं नहीं, चार दिन रहने आए हो ना, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत? अरे शहर के एसी रूम में बैठकर तुम ताश खेलते रहो। मांग रहा है तो दे दो ना उसे। वो कह रहा है ना बदल देगा, उसे जिम्मेदारी देना हमारा फर्ज है। हाँ दे दो। अरे क्या, दे दो ना। जिसे मिलता है वो कभी किसी को देता है क्या? बकवास मत करो। हिम्मत है तो देकर दिखाओ। ले के आओ जल्दी, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। आज से मैं ये गांव तुम्हारे हवाले करता हूँ बच्चे, इसे बदल कर तुम क्या हो ये साबित करो। मैं 100 एकड़ छोड़ दूंगा, नहीं तो तेरे नानी की जितनी भी जमीन जायदाद है उससे भूल कर यहाँ से निकल जाना। करो, 1 साल में करके दिखाओ, कर। अब फंस गए तुम। ये बदलाव वो बदलाव बहुत बोल रहे थे ना, अब करते रहो बदलाव, खेल शुरू। नागराज जी आप तो ताश के पूरे पत्ते इसके हाथ में रख दिए, अब अपना टेंशन कम हो गया। बड़ा आदमी मतलब ये है। तूने क्या सोचा, हलवा पापड़ है सब? इधर ला दे मुझे। अरे मैंने सोचा कि वो चेकबुक देगा मैन, इससे गांव कैसे ठीक करेंगे। अरे वाह, एक पेड़ खुद से निकल गया तो उसपे सब अपना मालिकाना हक दिखाने लगे, मेरा है मेरा है, चल भाग यहाँ से। बड़ा आदमी मतलब खुद के पैसों से कुछ कर दिखाना। मेरे पैसों से? जब तक कोई दूसरा तुम्हारी जगह नहीं ले लेता तब तक तुम इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। नहीं जा सकता सर, विलेज बिग पर्सनालिटी मी। या मेरी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। गांव के बाहर वाले बस स्टॉप में एक लंगड़ा आदमी रहता है, देखा तूने उसे? हाँ देखा है, अपने बस स्टॉप के पास। तेरे जैसे ही गांव सुधारने की जिम्मेदारी ली थी, नहीं कर पाया तो गांव वालों ने उसका पैर पकड़ कर उखाड़ दिया। नहीं काट दिया। कोई बात नहीं, 1 साल में ही नहीं 10 दिन में गांव डेवलप करके दिखा दूंगा, इन गांव वालों के लिए नहीं, उस नागराज के पास जो 100 एकड़ जमीन है ना उसके लिए। कर लेंगे, तू कर ले। कम ऑन मैन, इट्स अ टीम वर्क, कर लो ना। सही फैसला, लेकिन इनको चाहिए आर्थिक मदद। अरे यार ये छतरी क्यों लाया? अब क्या करना है हमें? मेहनत मेहनत। ओहो, ये कैसी तैयारी कर रहे हैं लुंगी बांधकर? मैंने कहा था ना मेरा प्लान शुरू करना है। इतना आसान नहीं है। क्या फोन करके बाहर से आदमी मंगवाए? क्या यहाँ सेकंड फ्लोर की मंजिल बनेगी? क्या कहा तुमने, एक एक आदमी को 3-3 एकड़ मिलेगा? ये आइडिया कहाँ से आया? वो क्या है, लोगों की तमन्ना है कि मेरे साथ अच्छे से रहे। ये बता, जब चाइना पार्टनरशिप में डेवलपमेंट कर सकता है तो हमारे गांव में क्यों नहीं हो सकता? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक लेके जाना। ग्राउंड फ्लोर रहेगा किसानों का और फर्स्ट फ्लोर रहेगा बड़ों का और सेकंड फ्लोर रहेगा। तो फिर वो अच्छे लोग कहाँ रहेंगे, कुछ सोचा है? उनके लिए हाई क्लास बंगलो बनाएंगे, सबके लिए इंतजाम हो जाएगा। तो फिर तैयारी शुरू करते हैं। अरे ये खेलते खेलते गायब कहाँ हो गया? वो काम करने गया होगा, 3 एकड़ का लालच जो मिला है। वादा पूरा कर दे वही बहुत है। 3 एकड़ जमीन
मेरे पास तो 4 एकड़ जमीन है, 4 में से 3 लिया तो। हाँ, पहले हिसाब तो करने दो। ये हिसाब किताब मेरे बस की नहीं। मालिक, मालिक, कौन है आप लोग? कौन है ये लोग? क्या चल रहा है यहाँ? समस्या आपको बताने के लिए आए माँ जी। अच्छा, कुछ भी सुनने से पहले मैं इन सबको हल्दी के पानी से नहलाऊंगी। इतने लोगों का यहाँ जमावड़ा क्यों है, ये बात आप समझ में आई है मेरे? ये सब कौन है बेटा? सब समझाता हूँ, आइए। बाप रे, कितने लोग आए हैं। मालिक, पंप में पानी नहीं आ रहा है। टैप से लो। टैप कहाँ है? वो नहीं है तो म्यूजिक बजाओ, आ जाएगा। मुझे एक घरेलू औरत बना दिया है, मैंने जवानी में कभी कोई मजदूरी का काम नहीं किया था, अब मैं ये सब काम कैसे करूँ? बड़े भाई, रास्ता कहाँ से निकालना ये पूछ रहे हैं। जहाँ से सही लगे वहाँ से निकालो, जाओ खुश रहो। मेरे लायक क्या काम है? सारे जगह काम करते करते हमारी चप्पल घिस गई। अब आप ही बताइए, इसे पहने या कचरे में फेंक दे? ये सब बताइए। अरे चप्पल घिसी तो क्या? अरे इसे फेंक दिया। अरे क्या लफड़ा है यार, ऐसी उम्मीद की थी क्या मैंने? मैंने सोचा था कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना आसान समझ रखा है क्या? तुम कुछ अलग किस्म के इंसान हो, ये मैं समझ गई हूँ। समझती क्यों हो, हकीकत है। तुम जरा इमोशनल हो। मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। मैंने तुमसे पहले आज तक कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर ले तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। तुम्हारा अगर कोई सपना है जो तुम पूरा करना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। मेरे दिल में जो सपना है अगर उसे मैं अपनाना चाहूँ तो वो मुझे मिल सकता है क्या? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से। देखा तब से? हाँ? मौसम कितना अच्छा है ना। टॉपिक चेंज मत करो, मैटर क्या है बताओ। अरे दिल में क्या है बताओ, बताओ ना। मैंने संभल के। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। और मैं भी, वो भी इंग्लिश में। I love you, शंकरी। बाप रे, कितना बड़ा ग्रुप फोटो है, इनसे अगर कोई रिश्ता जोड़ ले तो उसकी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, शंकरी को काम की जिम्मेदारी सौंपकर उसे अपने पास ही रखते हैं। मेरा प्लान समझ में आ गया? समझ में नहीं आया यार। मेरी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। हाँ। मिस्टेक सर। क्यों, इंग्लिश में है? नहीं, तुम में। ओके, अब मेरी समझ में आ गया, तुम किसी के नहीं हो सकते। क्या? खासकर उसके। 2 दिन बीत गए। देख, मेरा खेल मैं उन्हीं से स्टार्ट करता हूँ। सुकू, सुनिए जी, मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैं पहले जाकर आता हूँ। ठीक है, तू काम निपटा के जा। अरे भाई साहब, अंकल जी, आपके स्टाइल पर लड़कियाँ फिदा हैं। तो क्या ये टेक्निक आप हमें भी समझाएंगे? ये टेक्निक बहुत आसान है, बैठिए ना। इंसान के अंदर वो खूबी अपने आप रहती है, तो चलो आज तुम्हें मैं अपनी टेक्निक सिखाई देता हूँ। आंख बंद करके लड़कियों को याद करते हुए तू यह क्या कर रहा है? वही मैं भी पूछ रहा हूँ। तुझे बड़ा भाई समझा, तू कसाई निकला, चल जा यहाँ से। सुनिए, मेम साहब कहाँ हैं? क्या है? कुटाई की मरहम पट्टी। हाँ, जरा मुझे भी देना। इंसानों की नहीं, जानवरों की बेटा। ए फार फराड़ी, बी फार बुंगलो, सी फार। अरे क्या हो गया सबको? एक अस्टो, व्हाट्सएप। सारे लोग मुझे गलत समझकर गलत नजर से देख रहे हैं, तो फिर आप यहाँ किसे देख रही हैं? अरे आप रो क्यों रही हैं? ये हमारे गांव के रखवाले हैं, अगर ये चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? वर्षों से ये हमें और हम इन्हें देखते आए हैं। मेरी बेटी नहीं है। ये बात जब मुझे पता चली तब मैं बहुत अकेली हो गई थी। जानते हो, इन रखवालों ने ही तब मुझे सहारा दिया था। तुम सोच रहे होगे तुम्हारी माँ की खबर मुझे कैसे पता चली। मेरी बेटी की हुई एक छोटी सी दादानी झूठ बोल कर गई थी हम सब से, झूठ बोल कर। इंसान का झूठ कभी भी छुपता नहीं है बेटा, इसलिए हमेशा सच बोलो। हाँ, आप ऐसी बात करोगी ना तो मैं 2 दिन में यहाँ से चला जाऊंगा, बोलता हूँ। जा, हट। ए, मैंने ऐसे बहुतों को देखा है जो जीते जी अपने माँ बाप को मरा हुआ बताते हैं। अब तेरी कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो तू ही जाने, फिर भी हम चुप हैं क्यों?
ए, तेरे इरादे समझते हुए भी हमने तुझे जिंदा रखा है, पता ही क्यों? इनकी वजह से। और ये सच है। कह रहा था गांव छोड़कर जा रहा हूँ, गांव छोड़कर जा रहा हूँ, फिर ये लेटर छोड़कर कहाँ चला गया? ला मुझे दे। मेरे करीब के मामा ये कवर तुम्हारे लिए छोड़ गए, पढ़ लेना। वही मैटर है। ओ। तुम्हें पता है ना लोन की हमें कितनी जरूरत है? हमें अपना काम करना है, चलो। सुकू, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जाकर अपना काम निपटा कर। ओके, तुमने जो बोला था वो हो गया? उधर जाकर देख लो बेटा। 3 बजे से पहले ये पैसा बैंक में जमा करवा देना बेटा। ठीक है माँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। कहा ना माँ, जल्दी जमा करके आ जाऊंगा, ठीक है ना? तुम श्रीनिवास राजू। ए, वो वीरप्पन का बेटा कहाँ है? वो तो उसने भेजा है, अभी बताता हूँ। बड़ी माँ, बाहर आकर देखो, तुम्हारा बेटा आया है। मेरा बच्चा श्रीनिवास, कितने दिनों के बाद आया तू बेटा। बरसों से तेरी सूरत देखने के लिए मैं तरस गई थी बेटा। वो किसी के चक्कर में फंसकर गांव छोड़कर चला गया। इस गांव में जब भी कोई नया आता है तो मेरा बच्चा श्रीनिवास राजू तू आ गया क्या, यही कहती रहती है। उसका दिया हुआ इनके दिमाग में बहुत असर कर गया है, यही इस बेचारी की किस्मत में लिखा हुआ है। उसने ये भी दिया क्या? रुक, मैं तुम्हारे लिए इसे पढ़ सकता हूँ? अभी ला। तुम कैसी हो? इस बार मैं आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया। तुम दुखी मत हो ना, मैं और मेरा परिवार यूरोप में बड़े अच्छे से है और मेरा काम ठीक से चल रहा है। मेरे बारे में फिक्र मत करना। तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे पंचायत के सामने रखना और जो पैसा भिजवा रहा हूँ उसे बैंक में रखना। तुम्हारा पोता हमेशा तुम्हें याद करता रहता है, हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं यूरोप में रहता हूँ ये सबको बता देना, जो जगह है उसे पंचायत के हवाले कर देना। यही है मालिक इनकी जिंदगी। असल बात क्या है आपको पता भी है? इसका मरना और ये जमीन का जाना। अपनों को छोड़कर इतना बेरहम बनकर विदेश में जाते हैं तो फिर लाश देखने वापस क्यों आते हैं? बेटा ये लो। खेतों में लगता है कोई चिड़िया दाना खा रही है, मैं उसे भगा कर आती हूँ। हाँ बेटा, कहीं मत जाने दो। इसे कभी खुशी नहीं मिली तो उससे क्या? अरे उसे पढ़ाने के लिए इसने बहुत मेहनत की, आज उसका फल वो विदेश में बैठकर भोग रहा है और ये यहाँ घुटघुट के मर रही है। वो आने वाला नहीं है ये बात इसे अच्छी तरह से पता है, फिर भी आंखों में सपने बसाकर जी रही है। इस दुनिया में अब इसका मैं ही हूँ, इसमें अपनी भी खून पसीने की कमाई जोड़कर बैंक अकाउंट में जमा करवाने जा रहा हूँ, यही है इस बेचारी की किस्मत। बाबू जमा कर दिया बोल देना, मालिक बड़ों की नजर सिर्फ बच्चों को देखने के लिए तरसती है, अपनों से नफरत करने के लिए नहीं। वैसे तुम भी वैसे ही हो, तुम हमें क्या समझोगे, तुम्हें तो विदेश ही प्यारा है। क्या वो औरत भी तुम्हारी नानी माँ के जैसे पागल हो गई है क्या? नहीं, हमने उन्हें पागल बना दिया है। घर में जब मम्मी पापा नहीं रहते थे तो मैं घर में वीडियो गेम खेलते हुए पागलों की तरह अकेला ही रहता था, और कोई दूर हो जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ का आंचल छूट जाए तो जीना मुश्किल होता है। मुझसे मेरी मम्मी पापा दूर हो गए, इसलिए नानी माँ की इज्जत क्या होती है वो तो मैं अब तक कभी जान ही नहीं पाया था, इसलिए वो पागल हो गई। देख तू अपने आइडिया पे ध्यान दे, प्रॉपर्टी को अपना बना और फॉरेन वापस जा। अपनी नानी माँ को भी ले जाऊंगा। वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। सुना तुमने रंगाराव? क्या माँ जी? मेरा नाती मुझे विदेश ले जाना चाहता है। अमेरिका ले जाएगा, अब नया नाटक शुरू किया, होशियार है ये। नानी माँ तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तुम्हें अकेले छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। नानी माँ सुनकर अच्छा लगा। तो चलोगी ना तुम? ठीक है, देखेंगे। तुमने कुछ गांव वालों का भला करने का वादा किया था ना, वो तो पूरा कर। सीरियस? तुम चाहे सीरियस रहो या कॉमेडी करो, मुझे इससे क्या? बताओ मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? और अगर कर भी दिया तो नागराज मार देगा जान से। रमेश पी कर जाते जाते तुम मेरे भाई जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? ढाबा वाला तेरी ब्रांच वाला है ना? बोल तेरी ब्रांच का है ना? अब तुम भी शुरू हो गए, तुम्हें क्या चाहिए? वर्कआउट हो गया तो चले, चलो चलो। विलेज डेवलपमेंट में सबके पास खेत होगा तो वो डेवलप होगा या नहीं? उसके लिए पानी भी तो चाहिए ना। नहर बना लेंगे, सारी जमीन को भिगाते भिगाते हम भी भीग जाएंगे। तो बोरिंग करवा देंगे। बिना करंट बोरवेल कैसे चलेगी? करंट भी आ जाएगा ना यार।
तुम क्या क्या करोगे भाई, जब ऊपर वाले देना ही नहीं चाहते तो नीचे वाले क्या करेंगे? तो फिर किस तरह जिंदा रह रहे हैं यहाँ के लोग? कुदरती हवा चल रही है ना, इसे ही खाकर जी रहे हैं। अब इस हवा से कुछ हो सकता है क्या? अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है, कुछ तो बात है। ब्रिटिश वालों ने क्या कहा था पता है? रोड और करंट जहाँ होगा वो गांव अपने आप आगे बढ़ेगा। तुम नहीं समझ पाओगे। ओह माय गॉड, इस तरह से भी फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कर रहा है सुकू? हाँ, लोकल नेटवर्क के लिए सोशल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ। लगता है तो कुछ चमत्कार करने वाला है। यू आर राइट। बापरे, इनके जन्मदिन पे हमें बुलाया है। सुकुमार, वो देख तुझे बुला। चलो आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। आज हम सब यहाँ कोई जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, बल्कि यहाँ परिवार के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोना है। और ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जब एक आदमी अपनी खुददारी के साथ सब लोगों के बारे में सोच रहा हो तो उसका मकसद भला पैसा कमाना कैसे हो सकता है? इसीलिए मेरा कहना है कि अगर हम सब एक होकर सबका दुख बांटें तो। डायलॉग बहुत अच्छा है, कौन से नाटक का है? ठीक है, बात बहुत सीधी है पर तुम लोग समझ नहीं पा रहे, समझाता हूँ। अगर तेरी प्रॉपर्टी में हम 3 करोड़ मिला दें फिर 3 करोड़ निकाल लें तो क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। तुम्हारी नानी, पापा और माँ, इन तीनों को एक कर दो फिर तीनों को अलग कर दो तो क्या होगा? इन तीनों के साथ रहने पर ही जिंदगी का मतलब है, और अगर ये तीनों अलग हैं तो जिंदगी मतलब कुछ भी नहीं। यही फर्क है। समझ में आई बात? ये लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हैं? ये लोग खेल रहे हैं। हाँ, तो इसमें फर्क क्या है? अगर कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ता है तो उसे झगड़ा कहते हैं, पर गांव की भलाई के लिए कुछ करें तो उसे कहते हैं संघर्ष। वो जो सामने नारियल है ना, जो कोई भी उसे उठाकर सामने माँ के मंदिर के सामने फोड़ेगा तो जो गांव के बाहर 100 एकड़ जमीन बंजर पड़ी है उसे नागराज जी अपने हाथों से गाँव वालों की भलाई के लिए दे देंगे। ये तमाशा बस उसी के लिए है। कभी गाँव वाले उन्हें बहुत गिरा हुआ इंसान समझते थे, लेकिन आज ये इस गांव की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए ये खेल रखा गया। पंचायत कहकर ऐसे बीच में आने वाले को 100 एकड़ तो दूंगा ही, और जो आज यहाँ पे जीतेगा उसे 100 एकड़ की जगह 100 में और 100 जोड़कर उसे 200 एकड़ दूंगा। किसमें है हिम्मत? एक ताकतवर गलती करता है तो वो तो गलत है ही, पर कोई ताकतवर गलत होते देख कर भी खामोश रहे तो ये उससे भी बड़ी गलती है। किसी एक से भी जीत ले तो भी बहुत है। Hey!
अरे सुनो, इन्होंने कहा था 100 के साथ 100 फ्री देंगे, तो आओ लेकर जाओ। अरे आ जाओ भाई। रुक जाओ, मैंने लड़ाई नहीं की, संघर्ष किया है अपने लोगों के लिए। आज से वो 100 एकड़ जमीन गांव वालों की है। मार दिया फटका नागराज जी को। देवकी जी, बड़ी मालकिन बुला रही है। गांव वासियों, मेरी बेटी का बेटा सुकुमार के बारे में जो विचार मेरे मन में थे वो शायद गलत थे, वो अब बदल चुका है। कल रात घर साफ करते समय देखो मुझे ये मिला है। इस खत में ये लिखा है कि इसके नाना जी को पता था कि उनको एक पोती है, इसलिए देवकी को अपनी पोती मानते हुए वो अपनी सारी जमीन जायदाद संपत्ति अपने इस पोती के नाम वसीयत में लिख कर गए हैं। ये बात आज सबको पता चल जाए इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। आप सबके सामने मैं देवकी को अपनी पोती मानते हुए सच्चे मन से उसे स्वीकार करके अपने परिवार में शामिल करती हूँ। ये लो बेटी, मैं इसके लायक हूँ क्या दादी माँ? अनजाने में जो मुझसे भूल हुई मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। दादी माँ, चलो बेटी, चलो। नानी माँ, चलो चलते हैं। रुको, तुमसे बात करनी है। मेरे पिता देवराज राघव राव जी हैं, इसका सबूत मांग रहे थे ना, याद है ना? ये लो सबूत। इसके लिए तुमने कितने पापड़ बेले हैं सब जानते हैं। जिसकी किस्मत में था उसी को मिला है। मैं कहती हूँ क्लियर माय प्रॉपर्टी, निकल जाओ यहाँ से। ये सब क्या है माँ जी? वो उन्होंने ये धन दौलत उसके नाम लिखी है ना। अच्युत जी को राघव जी के बारे में ही कुछ पता नहीं था, तो बेटी देवकी के बारे में क्या पता होगा? सच क्या है ये बताइए माँ जी। नमस्ते बहन जी, इस जमीन जायदाद की असली वारिश आपकी पोती देवकी है, ऐसा आपके पति की वसीयत में है। क्या देवकी हमारी पोती है ये उन्हें पता था? सच में देवकी हमारी पोती है क्या? वो आपकी सगी पोती है नानी माँ। मैं ये प्रॉपर्टी अपना कर आपको यहाँ से निकालने के लिए आया था। मैंने कभी आपकी इज्जत नहीं की, और वो तो पागलों जैसी आपको चाहती थी, लेकिन उसकी किसी ने इज्जत नहीं की। जब आप मुझे हाथ लगाती थी तो मुझे घिन आती थी, लेकिन आपको छूने के लिए देवकी सच्चे मन से तड़पती थी। मैंने उसके बाप का प्रूफ लाने को कहा, यह बहुत बड़ी गलती की मैंने, और इसका प्रायश्चित करने के लिए नाना के नाम की वसीयत मैंने ही तैयार की। नाना जी का साइन इस तरह से भी काम आएगा ये मैंने सोचा नहीं था। वो सच तो मैं भी बता सकती थी। देवकी आपकी पोती है ये पहले पता होता तो लोग आपको पागल समझते, लेकिन वसीयत सामने आने से सारा गांव ये मान गया है, और देवकी भी यही चाहती थी नानी माँ। पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई तो तुम्हारे लिए क्या बचा? आप हो ना नानी माँ, मैं ले जाऊंगा आपको यहाँ से। मेरे लाल। सर, आपने जो भी हेल्प की। नहीं बेटा सुकुमार, क्या हुआ? पहली बार तुम्हारे नाम से पुकारा तो तुम्हें आश्चर्य हुआ? आज तक हमारा सुकुमार भटका हुआ था, लेकिन अब चाचा जी, ये देवकी के बैग में रख दीजिए। क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ, क्यों मार रहे हैं ये उनसे पूछो। इसने मेरी बेटी के साथ जो भी किया है ये सब उसमें शामिल है। इसकी वजह से पूरे गांव में मेरी बेटी बदनाम हो गई। ये ऐसा नहीं कर सकता। बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ है, बोलो ना क्या बात है? इसने ऐसा किया क्या है? क्या किया है बताना। सुनिए माँ जी, आप तो केवल जान देना जानती हैं, लेकिन ये जो है ये सिर्फ जान लेना जानता है। अरे आपने जिस थाली में इसे खिलाया है उसी थाली में इसने छेद कर दिया है, ये धोखेबाज है। अरे बताते क्यों नहीं, अब क्या इन लोगों के मरने के बाद मुंह खोलोगे? मैं क्या सुन रही हूँ? आखिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? ये क्या बताएगा, मैं जीते जी तुमसे रिश्ता तोड़ लूंगा, लेकिन इसे अपने घर का दामाद कभी नहीं बना सकता। गलती की है तुमने। की है माँ जी, डिवाइड एंड रूल। ये है गांव के बड़े लोग, जैसे इसका नाना वैसे उसका नाती। अब नानी और नाती हाथ से हाथ मिलाकर वादे का खेल खेलेंगे। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की नानी माँ, लेकिन अपना मुंह मत दिखाना। तू इंसान है ही नहीं। नानी माँ एक बार मेरी बात। ये क्या बताएगा, मैं जीते जी तुमसे रिश्ता तोड़ लूंगा, लेकिन इसे अपने घर का दामाद कभी नहीं बना सकता।
डिवाइड एंड रूल। ये है गांव के बड़े लोग, जैसे इसका नाना वैसे उसका नाती। अब नानी और नाती हाथ से हाथ मिलाकर वादे का खेल खेलेंगे। हे भगवान। सुकुमार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शंकरी, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी? शंकरी, इस तरह खामोश क्यों खड़ी हो? कुछ तो बोलो ना। थोड़ी देर के लिए तुम चुप रहोगे तो अच्छा होगा। मैं जो तुम्हें सच बताने जा रही हूँ, क्या तुम उसे सह पाओगे सुकुमार? देखो सुकुमार, दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसकी किस्मत पहले से लिखी होती है। किसकी किस्मत में क्या है कोई क्या जाने। वैसे ही जैसे हमारा जीना और मरना हमारे बस में नहीं। जीना जब नामुमकिन हो तो मौत है। मेरे अपने मेरे साथ ही नहीं होंगे तो मेरी जिंदगी मौत के समान होगी। उससे बेहतर मर जाना है। इसीलिए हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। बाय, चलती हूँ। लेकिन दोबारा नहीं करूंगा। चलो नानी माँ, चलते हैं। नानी माँ, 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 चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। कुमार, ये देखा तुमने क्या लिखा है? जैसे भगवान हमारी जिंदगी से एक अच्छे व्यक्ति को छीन लेता है, ठीक उसी तरह वो हमारी जिंदगी में एक अच्छे आदमी का साथ भी जोड़ देता है। नहीं समझे क्या? बुढ़ापे में हमें चलने के लिए एक लाठी की जरूरत होती है, वैसे ही जिंदगी में चलने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। अरे बाप रे, मोटे की इंग्लिश और आपकी हिंदी, मेरी तो समझ में नहीं आती। समझने के लिए ये हिंदी भाषा नहीं है, ये जिंदगी है। चलता हूँ। सर सर, आपका डेट ऑफ बर्थ कंसर्न हो गया सर। समझ गया, सब दुखी हैं इसलिए हंसाने की कोशिश कर रहा था। आपका बर्थ कंफर्म हो गया है सर, लेकिन आप यहाँ से मत जाओ। मत जाओ। ऐसा मत कहो तुम। मुझसे प्यार करने वाली नानी माँ मुझे छोड़ गई, और जिससे मैं प्यार करता था वो अपने परिवार के लिए मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। प्यार कितना महान है ये उसने साबित कर दिया। मैं आज तक प्यार को एक नाटक समझकर खेलता रहा, लेकिन प्यार एक दिन मेरी जिंदगी को ही नाटक बनाकर खेलेगा ये मुझे आज पता चला। एक आदमी से अगर कुछ छीन लो तो उसे मैं बहादुरी समझता रहा, लेकिन आज मैं समझ पाया हूँ कुछ देने से ही इंसान महान होता है। टूटी हुई दोस्ती को जोड़ने के लिए जब हम उस पर मरहम लगाते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। इतने लोग मुझे सही इंसानियत का पाठ पढ़ा गए, इसलिए मेरा सारा गुरूर आज मेरे अंदर से निकल चुका है। एक्टिंग करते करते आप सबके साथ कुछ वक्त गुजरा, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। अरे चाचा जी, रो क्यों रहे हैं? मेरे लिए कुछ गाकर सुना दो। नहीं गा सकता। आखिरी बार मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ तो गा दो।
माँ नहीं है कहते हैं, शिव जी की माँ नहीं है कहते हैं। अगर माँ होती तो उनकी शक्ति कितनी ज्यादा होती, और माँ होती तो बाघ का चर्म क्यों पहनते, माँ होती तो वो घुमक्कड़ क्यों होते, माँ होती तो उन्हें जीने का तरीका समझाती। माँ नहीं है कहते हैं, शिव जी की माँ नहीं है कहते हैं। बिना माँ के ही शिव जी इतने महान हैं, माँ होती तो और कितने महान होते। बिना माँ के आज सुकुमार कितनों का भला कर गया, माँ होती तो और ना जाने कितनों का भला कर देता। चलो बेटा चलो, चलता हूँ। ठीक है, संभाल कर जाइए। तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं नहीं आ सकता। एक वक्त मैं सोचता था ये गांव मुझे क्या काम देगा, पर जब से तुम मिले हो तब से इस गांव के लिए कुछ करने का मन बना। नमस्ते भैया। आज जहां भी जाता हूँ लोग नमस्ते करते हैं तेरी वजह से। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए सुकुल? फिर मैं तुम्हारे साथ अगर अपने पापा और दादाजी को पागल नहीं डिप्रेशन में नहीं देख सकता ना, इसीलिए प्रॉमिस फॉरेन प्रॉमिस। रोने में कोई बुराई नहीं है, रो लो। तुम्हें ने कहा था ना मौसी, ये दुनिया आईने की तरह है, अगर मैं रोऊंगा तो मेरे अपने सहन नहीं कर पाएंगे और मुझे जाने नहीं देंगे। लेकिन माँ के सामने रो जाने जाए नाम के अलावा कुछ नहीं ला पाया। कुछ मिस कर रहे हो क्या? मिस करने जैसा क्या है? बस इतना ही। इतना ही। पापा। मैं ये भूल गया था पापा, मैंने क्या मिस किया मुझे नहीं पता। मम्मी के प्यार के लिए आपने क्या मिस किया ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। यही जीवन की सबसे कहता है प्रेम, वो उतना तड़पाता जिससे करता है प्रेम। बिछड़े जब दो पंछी रोता है फिर ये प्रेम, ऐसा दिल का बंधन है कहता कभी। को ये भेजने से पहले एक बार जाकर उनसे मिल लेना। इस दुनिया में सुनामी 2004 में आया, लेकिन हमारे गांव में लास्ट ईयर आया था और उसका नाम है सुकुमार। उससे पहले हमारे गांव में दो बैड फीलिंग्स थे, जिसमें सबसे बड़ा बैड फीलिंग थी कास्ट फीलिंग। सुकुमार के आने से यहाँ की कास्ट फीलिंग हट गई और हमारे अंदर की फीलिंग्स बढ़ गई। देश विदेश में रहने वाले लोग हमसे नेटवर्क के थ्रू जुड़ गए, इसीलिए हमारे गांव में स्कूल, पानी, लाइट, रोड, ट्रेन, इंडस्ट्री बहुत कुछ आया। साथ में वाईफाई भी आया। वाईफाई का मतलब पता है? नहीं पता। वो सिर्फ मेरे ही गांव में। अरे रुको ना यार। और फिर सुकुमार ने जो सुकुमार कहाँ है? हाँ है सुकुमार। सुकुमार कहाँ है? वो चला गया। चला गया? क्यों? बहुत लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वो जरूर आएगा। ए, कहां गया तुम्हारा हीरो? जो तूफान जहां से आया था वहीं चला गया। यहां का मुखिया सिर्फ मैं ही हूं। तुम्हारा बाग बगीचा और सब कुछ मेरा है और तुम सब मेरे बंधुआ मजदूर हो। इंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई हीरो जरूर आएगा। चलो आंखें बंद करो। चलो चलो। आ गया क्या? नहीं आया यार। मैंने कहा था ना कोई आने वाला नहीं है। आंखें बंद करो, आ जाएगा। आंखें बंद करो फिर से। हाँ। आ गया क्या? नहीं यार, कहा था ना गांव में कोई हीरो नहीं है। तू जा सकता है ना? मैं बोलूंगा तो मानेंगे क्या वो लोग? चले क्या? तो फिर चलो।
आ गया हमारा शेर, हमारे गांव का हीरो आ गया। मुझे पता था ये आएगा, इसने फोन किया था। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ भाई? हीरो का वैल्यू के लिए किसी को बलि देनी पड़ती है। सुकुमार, नहीं बेटा, झगड़ा नहीं। बेटा, उसे गांव के अंदर आने मत देना। मैंने कहा था ना पापा, ये गांव हमारा गांव है। दम है तो इस लाइन के अंदर आके दिखा। तू क्या लाइन खींचेगा? मैं खींचता हूं, आ जा। जा भाई। इसे चारों तरफ से घेर लो। इधर आ। आजा। मार बेटा, मार। नागराज भाई, तुम्हारी जो बेटी है वो उस स्कूल टीचर के साथ लगी। पैर छूने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये रिवाज है पापा। प्यार का गलत इस्तेमाल करके तुमने कई परिवारों को बर्बाद किया, अब वही प्यार की बर्बादी तुम्हें बर्बाद कर देगी। देखना अब क्या होता है। बेटा चलो, चलो ना। सब लोग मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। शादी तो नहीं रोकोगे? शंकरी से मैंने प्यार नहीं किया, इसकी वजह मैं नहीं जानता था प्यार क्या होता है। असल में शंकरी पर मैंने झूठा इल्जाम लगाया था, नादान था मैं। मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाले उसके पास उसके परिवार वाले हैं, फिर भी प्यार के लिए शंकरी ने अपने परिवार और खानदान को छोड़ा। जिस तरह शहर में लड़के लड़कियां एक दूसरे से ऑनलाइन मिलते हैं और उसके बाद उनकी गहरी दोस्ती होती है, मेरी और शंकरी की जान पहचान ऐसी ही हुई थी। लेकिन हम जैसे लोग प्यार को क्या समझेंगे? आज की टेक्नोलॉजी तो सच में जिंदगी का एक खेल बन चुका है। लेकिन ये किसे पता है कि ये चीज हमें बर्बाद भी कर रही है। इस संसार में हम बेस्ट सीईओ तो बन सकते हैं, बेस्ट एचआर भी बनते हैं, लेकिन ह्यूमन रिलेशन हम नहीं टिका पाते हैं। हमारे लिए आप बड़े लोग को छोड़कर जा सकते हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। क्या छोड़कर जाए, ऐसा सोचने वाले आप लोग हो। इसलिए मुझ जैसे सुकुमार को नहीं देखना चाहते हो तो आप अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दीजिए। ये मेरा स्वार्थ नहीं, आंखों में आंसू लिए जो लड़की आज तनहा भटक रही है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो बेटा, आज के बाद मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में देता हूँ। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ उससे मिल लो। जाओ बेटा, जाओ। बहुत अच्छी साड़ी लग रही है। ओह, शादी तुम्हारी नहीं है क्या? ये पूछने के लिए यहाँ तक आए हो क्या? दीदी, ये नहीं सुधरेगा। शंकरी, एक्चुअली तुम जरा बाहर जाओ। शंकरी, मैंने बात मत करना,
कोई बात मत करना। लव किया, डेटिंग किया, हाथ में हाथ डालकर पूरे गांव में घूमते रहे। जब मैंने कहा कि फ्रेंड्स बनकर रहते हैं तो छोड़कर भाग गए। ऐसी बात नहीं है। एक लफ्ज भी मत बोलना। मेरे लिए आया हुआ रिश्ता मैंने अपनी बहन के साथ फिक्स किया, क्या क्या नहीं करना पड़ा इसके लिए। छी। देखा देखा ना तुमने, तुम सुकुमार बन ही नहीं सकते, कभी नहीं। मत जाओ शंकरी, तुम अगर चली गई तो मेरा ये घर ही नहीं, मेरा ये दिल भी तुम्हारे बिना खाली हो जाएगा। क्यों? तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा मुझसे? अब जाओ यहाँ से। बात करने से मना किया था, अब मैं बात करूं? मत जाओ शंकरी, अगर तुम चली गई तो ये घर ही नहीं, दिल भी खाली हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर आया हूँ, मुझसे शादी करोगी प्लीज? सुकुमार की कहानी क्या है पता है? राजकुमार ने राजकुमारी से शादी की लेकिन वो अब खुशहाल नहीं है। अरे हाँ, यहाँ इस तरह कलर मारना होगा। मैं कब से कह रही थी कि वहाँ टूटा है उसका कुछ कीजिए, लेकिन नहीं, आप मेरी बात नहीं सुनते। मेरे पापा सुकुमार को भगवान जैसा मानते हैं क्योंकि देवकी अब शैतान बन चुकी है। सुकुमार, ए बाबू, तू ही भगवान है, मुझे उस चुड़ैल से बचा लेना, जाकर समझाना उसे। सहन कर लो उसे, तुमने तो जाने से रोका था उसे, अब झेलो, जाओ जाओ। जोर लगाओ बेटी। लगा तो रही हूं। और जोर लगाओ। इससे ज्यादा जोर लगाना तो इसके बाप को बुलाओ। देखा ना, उसने मेरे साथ ये सब किया और अब मुंह छिपाकर बैठा है। अरे पैर धोकर अंदर जाना। हाँ पता है। सर हाथ तो धो लीजिए। हाँ जाओ ना सिस्टर, मैंने सुना है बेटी पैदा हुई है। ये लो तुम्हारी बेटी। पूजा वाली, फिर से तुम पैदा हो गई। नानी माँ, नानी माँ आ गई, फिर से नानी माँ आ गई।